हाँ बोला सर, बोला। यस सर, यस सर, गो हाँ ना। सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, राइट राइट। तो ऑफ कोर्स दिस नैक ग्रुप, द क्रिएशन ऑफ दिस मैग आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस आइडिया नैक ग्रुप इज टू हेल्प लायब्रेरियंस। रिअली जे नवीन ग्रंथपाल अपॉइंट होतात त्यांना खरोखरच ते गोंधळतात, आणि ग्रंथालयाच्या कामामध्ये दे आर एक्सपर्ट, दे आर एक्सपर्ट इन क्लासिफिकेशन, गिविंग सर्व्हिसेस टू द युजर्स, गिविंग द प्रिपेरिंग फॉर द लायब्ररीज इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, दे आर व्हेरी मच परफेक्ट गिविंग द सर्व्हिसेस बिकॉज दोज थिंग्स आर कवर्ड इन देअर सिलेबस। बट द लायब्रेरियन्स, दोज हु अपॉइंटेड न्यूली और दोज हु हैव नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ नैक, हाउ दे विल फेस द चैलेंजेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइल्स, फॉर फेसिंग द कमिटी, नैक पीयर रिव्यू कमिटी एंड ऑल द मैटर्स, हाउ दे विल फेस। देयरफॉर द आइडिया स्ट्रक इन माई माइंड दैट आई स्टार्ट द नैक हेल्पलाइन सो दैट पीपल विल गेट मच ऑफ द हेल्प, एंड इन विद इन whenever I opened this group and send the link for requesting to join, then in within several hours, 2 3 hours, immediately the group is full with participants, and it is constant, it remains constant, no one is leaving, moving or leaving out the group, everybody is wanted to join, and therefore this whole group becomes a very much useful for the users, particularly young librarians. They wanted to take the guidance from the helpline, and of course I am very much thankful to the experts, those who are in the group, like Shastri sir. Shastri sir is a coordinator of NAC in his college, and Shanta Sri is also very much versed with the different criteria and all these things, and others, not only these people but others also, as per their capacity, guide, they solve their problems, right? And much more help they are getting. Therefore, this group is introduced. Now, coming towards the NAC situation, we have to face the NAC, and the in case of the NAC or preparation for the NAC, librarians becomes a sole person in the library. So extra astrogram the institute made, and institute madle je loko dusre astat, lecturer ahet kiwa NAC coordinator IQC ahe, ते ग्रंथपालावर एक एक वेगळ्या प्रकारचं प्रेशर त्यांचं येतं, कारण त्यांना त्यांना उत्तर द्यावे लागतात, स्टॅटिस्टिक्सची माहिती द्यावी लागते, आणि सगळी सत्य परिस्थितीमध्ये द्यावी लागते, फार एकदम ट्रूथ माहिती द्यावी, नाही तर ती जबाबदारी ग्रंथपालाची असते, त्यामुळे इतर कामामध्ये ठीक आहे, पण नॅकच्या कामामध्ये मात्र आपल्याला फार सतर्क आणि फार स्ट्रिक्ट राहावं लागतं, कारण डीपी माहिती आहे, वाचकांची संख्या किती आहे, त्याचे पुन्हा पर डे विजिट किती आहेत, किंवा रिमोट ऍक्सेस किती आहे, या सगळ्या गोष्टी, आणि त्या सुद्धा एव्हिडन्सेसने आता द्याव्या लागतात, नॅक सुद्धा प्रत्येक गोष्टीचं रिव्हिजन करत आहे, प्रत्येक गोष्टी रिवाइज करत आहे, प्रत्येक वेळेस त्यांचे प्रोफॉर्मे रिवाइज होत आहेत, अशा वेळेस ग्रंथपाल हा गोंधळतो, मग त्या ठिकाणी आपला हा नॅक हेल्पलाईन ग्रुप फार मोठा त्यांच्या कामाला येतो, आणि निश्चितच मला आनंद आहे की या नॅक ग्रुपच्या रिक्वेस्टमुळे एक मेंबर आहे आपल्याकडे शेट्टी मॅडम म्हणून, त्यांचा एक रिक्वेस्ट आला होती मला प्रायव्हेटली, त्यांनी केली होती की तुम्ही असं एक करा, नंतर ताबडतोब माझ्या डोक्यात ते आलं, कारण आपण आतापर्यंत जे वेबिनार पाहिले ते केवळ सर्टिफिकेट देतील किंवा सर्टिफिकेटच्या आशेने किंवा आपलं एक गोष्ट व्हावं म्हणून लोक वेबिनारमध्ये जॉईन होत होते, पण हा वेबिनार असा आहे की त्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचं सर्टिफिकेट आपल्याला मिळणार नाही, पण एक प्रकारचं समाधान मिळेल आणि एक प्रकारचं स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन लोकांना मिळेल, आणि एक आपल्याला या नॅक बद्दल जी मनामध्ये आधी बसलेली आहे किंवा नॅक नंतर आपल्याबद्दल जे मनामध्ये कटुता आहे, कंटाळवाणा वाटतो काम थोडं, की काय हे असं द्यायचं, आपलं लायब्ररीचं काम सोडून पुन्हा हे स्टॅटिस्टिक गोळा करत बसायचं, आणि ते सुद्धा संस्थेच्या मुख्य जो मुख्य आहे त्याच्या पुढे सादर करायचा, या सगळ्या गोष्टीमध्ये थोडासा लायब्ररियन शाही मला असं वाटतं, जनरली मॅक्झिमम लोक ग्रंथपाल या गोष्टीला थोडस कंटाळवाणं समजतात, कारण इट इज अन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह, प्युअर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बट टेक्निकल वर्क फॉर कलेक्टिंग द डेटा, सो कन्सिडरिंग ऑल दिस रिस्पेक्ट आय थॉट दॅट आय शुड कंडक्ट ए मीटिंग अँड अकॉर्डिंगली नाऊ वी विल स्टार्ट द पॅनल डिस्कशन. आय हॅव एक्सप्लेन द क्लिअरिटी ऑफ द कंडक्ट रिझन बिहाइंड कंडक्टिंग द this meeting, and therefore as per our discussion we analyzed, we panel members had discussed yesterday that how to
conduct the meeting, what criteria, who will speak first, and then as per our decision, I request Shastri sir to go ahead for the quantitative information about the NAC, which NAC is required. So over to Dr. Shastri. Thank you, sir. Thank you, Ranjit sir. Welcome all participants. What we have decided that initially we thought that we will have the presentations, but then after discussion with all panelists, we decided that we will have the question answer session or discussions, more free discussions among the participants. Before that, I would like to start with the library, because we are all librarians and we will start with the library matter 4.2 first. Then what we have decided that Santoshri madam and I will take up, we will divide and I will take the qualitative questions first and then she will talk about the quantitative questions. Isn't it Santoshri madam? Santoshri madam, you are, yes, aap hai udhar Santoshri madam? Yes, I am there, Sachin. Yes. So, I am first, jo 4.2.1. Yes, sir. 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 Yes, नाही तुम्ही बोलले की खरखर येतोय सर, तुम्ही बोललात की खरखर सुरू होते. ओके ओके बघ आता हा जरी म्हणला तरी खरखर आला आधी. हॅलो 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 आता येतोय आवाज क्लिअर? यस यस यस. हा तर मी रंजित सर बोला. रंजित सर हा बोला बोला. रंजित सर हा बोला ना. हा बोला. मी आता आम्ही असं ठरवलं होतं की संतोष मॅडम यांनी पहिले आम्ही लायब्ररीच्या पासून सुरुवात करू. लायब्ररी ऑफ एज अ लर्निंग रिसोर्स जे 20 वेटेज 4.2 दॅट इज 20 वेटेज. वी विल डिस्कस, वी विल टॉक अबाउट ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन फर्स्ट अँड देन देन वी विल टेक अप अदर अदर क्वेश्चन्स इन क्रायटेरिया 4 अँड देन रिमेनिंग इन अदर क्रायटेरियाज हाऊ दॅट लायब्ररी कॅन कॉन्ट्रीब्युट इन अदर क्रायटेरियाज ऑल्सो, दॅट ऑल्सो वी डिस्कस. सो कमिंग टू दी 4.2.1, मी सगळ्यांना आता ऑलमोस्ट सगळ्यांना सगळेजण नॅकच्या रिवाईज क्वेश्चनला बेसिकली सगळे फॅमिलियर असतील असं गृहित धरलेलं आहे की सगळ्यांना रिवाईज क्वेश्चनियर फॅमिलियर झालेला असेल. तर आपण आता बघितलं की आपल्या टोटल नॅकच्या असेसमेंटमध्ये लायब्ररी करता 20 वेटेज आहेत आणि 4 क्वेश्चन्स आहेत. 4.2 की इंडिकेटर, देर आर 20 वेटेज टोटल अँड देर आर 4 क्वेश्चन्स. एक क्वालिटेटिव्ह क्वेश्चन आहे, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव्ह, दॅट इज 4.2.1 अँड देन 4.2.2, 2.3 अँड 2.4 आर क्वांटिटेटिव्ह क्वेश्चन. फर्स्ट आय विल डिस्कस विथ दिस क्वालिटेटिव्ह क्वेश्चन. ऍक्च्युली हा जर क्वालिटेटिव्ह क्वेश्चन असला ना, त्यांनी असं म्हटलंय की हा QLM आहे, लायब्ररी इज ऑटोमेटेड युझिंग इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम. हा क्वालिटेटिव्ह क्वेश्चन आपल्याला व्हायला 4 वेटेज आहे, तरी पण त्याच्यामध्ये त्यांनी डेटा रिक्वायरमेंट दिलेला आहे. ऐकू येतोय माझा आवाज? येतोय ऐकू सगळ्यांना? येतोय. त्याच्यामध्ये लायब्ररी इज ऑटोमेटेड युझिंग इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम, दॅट इज द 4.2.1 आणि त्यात त्यांनी 4 आहेत की दॅट नेम ऑफ द ILMS सॉफ्टवेअर. आपल्याला आपल्याकडे जी काय लायब्ररी सॉफ्टवेअर आहे त्याचं नाव विचारलेलं आहे, पण नेचर ऑफ ऑटोमेशन वेदर इट इज फुल्ली ऑर पार्शियली, व्हर्जन कुठलं आहे आणि इयर ऑफ ऑटोमेशन कुठलं आहे. आता ह्या 4 गोष्टी जेव्हा आपल्याला लिहायचे असतात तेव्हा बेसिकली आपल्याला खूप साऱ्या लोकांना प्रॉब्लेम असा येऊ शकतो किंवा असतो की कितीतरी घरांचं ऑटोमेशन एकदम पूर्ण झालेलं नसतं, पार्शली असतं, किंवा कदाचित असं पण असू शकतं की तुमच्याकडचे सॉफ्टवेअर तुम्ही केलेले सॉफ्टवेअर असू शकतात, तर तेव्हा आपण त्याचं व्हर्जन काय लिहिणार किंवा इयर ऑफ ऑटोमेशन काय लिहिणार हा प्रश्न असू शकतो. पण तो पार्शली असेल तर जेव्हा सुरुवात केलेली ते तुम्ही लिहू शकतात इयर ऑफ ऑटोमेशन. त्याच्याही पलीकडे जाऊन बेसिकली मला हे सांगायला आलं की तिथे खाली त्याच्यानंतर अपलोड एनी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि प्लीज पेस्ट लिंक फॉर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. दिस टू थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टंट फॉर एव्हरीबडी, बिकॉज व्हॉट यू गिव्ह द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अँड व्हॉट यू गिव्ह द लिंक फॉर युअर लायब्ररी वेबसाईट अँड डिटेल्स इज ऑन द बेसिस ऑफ दॅट युअर वेटेज विल बी मोर, यू विल गेट द मोर मार्क्स.
म्हणजे फक्त नेम ऑफ द आयएलएमएस सॉफ्टवेअर लिहून किंवा त्याचा नेचर ऑफ ऑटोमेशन लिहून चालणार नाहीये, तर आपल्याला डिटेल माहिती द्यायची आहे. आणि इथेच फक्त आपल्याला आपल्या जे काही चार क्वेश्चन्स आहेत लायब्ररीचे, त्यापैकी फक्त इथेच एकाच क्वेश्चन मध्ये फक्त आपल्याला स्कोप आहे की जिथे आपण बाकीचे आपल्या सर्व्हिसेस बद्दल आणि ऑटोमेशन बद्दल पण लिहू शकतो. तर इथे अपलोड एनी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला. हा बोला. हा तुमचा फक्त व्हिडिओ चालू करा, फक्त तुमचा करा. बरं बरं. पार्टिसिपेंटची रिक्वेस्ट आहे की फक्त बोलणाऱ्या तरी व्हिडिओ चालू करा. ओके ओके. आता दिसतोय. हॅलो. हा आता दिसतोय. ओके ओके फाईन. तर सर हा जो क्वेश्चन पहिला, त्याच्यामध्ये आपण आता बघतोय की आपल्याला लायब्ररी इज ऑटोमेटेड युजिंग इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्ट सिस्टीम, डेटा रिक्वायरमेंट आहे, नेम ऑफ द आयएलएमएस सॉफ्टवेअर. तिथे आपल्याकडे जे सॉफ्टवेअर आपण वापरतो त्याचं नाव लिहायचं आहे. आपल्या आपल्या लायब्ररीचं कॉम्प्युटरायझेशन पूर्ण झालंय की पार्शली आहे किंवा सुरू आहे त्याच्याबद्दल माहिती लिहायची आहे. त्याचं वर्जन काय आहे ते लिहायचं आहे आणि इयर ऑफ ऑटोमेशन लिहायचं आहे. आणि अपलोड ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण आपल्या ऑटोमेशन झालेल्या प्रोसेसमध्ये आपण काम कसं करतोय, म्हणजे आपल्याकडे ऍक्विजिशन, आपण ऍक्विजिशन आपलं ऑटोमेटेड असेल तर ऍक्विजिशन आपण कशा प्रकारे करतो, त्याचे स्क्रीनशॉट काढायचे, त्या सॉफ्टवेअरचे स्क्रीनशॉट काढायचे आहेत. आणि त्या स्क्रीनशॉट आपल्याला एका वेगळ्या वेगळ्या वर्ड फाईल मध्ये किंवा दुसऱ्या एका फाईल मध्ये स्क्रीनशॉट सेव्ह करायचे, त्याची एक पीडीएफ फाईल तयार करायची आहे. असे वेगवेगळे ऑपरेशन्सचे स्क्रीनशॉट काढायचे आपण आपल्या सॉफ्टवेअरचे ऍक्च्युअल काम करताना काउंटरवरती. जेव्हा आपण इश्यू रिटर्न करतो तर त्या इश्यू रिटर्नचे फोटोज आपण काढायचे आहेत आणि सॉफ्टवेअरच्या स्क्रीनशॉट्स काढायचे आहेत आणि ते आपल्या एखाद्या वर्ड सेव्ह करायचे आहेत आणि ते त्याची पीडीएफ फाईल तयार करून ती पीडीएफ फाईल अपलोड एनी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये आपल्याला तयार करायची म्हणजे अपलोड करायची आहे. आणि आता आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो की आपल्या लायब्ररीच्या वेबसाईट पण असतात किंवा आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटला आपल्या लायब्ररीचे पेज एक पेज असतं किंवा त्याची लिंक असते आणि आपण आपल्या लायब्ररीची माहिती आपण आपल्या लायब्ररीच्या वेबसाईटवरती सर्व्हिसेस बद्दल आणि इतर माहिती देत असतो. ते पेस्ट लिंक फॉर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये आपण आपल्या लायब्ररीच्या वेबसाईटची लिंक देऊ शकतो जेणेकरून आपण ते आपल्या लायब्ररीची वेबसाईट ऍक्सेस करून बघू शकतात. तर ह्या दोन गोष्टी डिस्क्रिप्शन मध्ये आपल्याला ऍड करायच्या असतात. याच्या व्यतिरिक्त आपण आणखीन आपण आपली लायब्ररी ऑटोमेशन कसं केलेलं आहे त्याच्याबद्दलचा एखादा राईटअप किंवा रिपोर्ट आपण तयार केलेला असेल तो रिपोर्ट सुद्धा आपण अपलोड ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये आपण तो रिपोर्ट ऍड करू शकतो. आणि समजा तिथे तिथे स्पेस कमी असेल, त्यांची जी स्पेस आहे ती 5 MB स्पेस लिमिट असतं, तसं जर आपलं जर पूर्ण डॉक्युमेंट पीडीएफ फाईल जर 5 MB पेक्षा मोठी असेल तर आपण ती पीडीएफ फाईल आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरती अपलोड करून त्याची लिंक तिथे फक्त देऊ शकतो. तसं केलं तरी देखील चालतं. तर याच्या हा क्वालिटेटिव्ह प्रश्न पहिला त्याबद्दल मी डिस्कस केलेला आहे. याच्या पुढचे 2-3 जे क्वांटिटेटिव्ह क्वेश्चन आहेत ते आपण संतश्री मॅडम ला मी रिक्वेस्ट करेन. संतश्री मॅडम, आय रिक्वेस्ट यू टू टॉक अबाउट 4.2.2, 2.3 and 2.4. संतश्री मॅडम. येस 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 सचिन, कॅन यू टेक ओव्हर टू यू, कॅन यू डिस्कस अबाउट 4.2.2 नाउ क्वांटिटेटिव्ह क्वेश्चन. येस सचिन, am I audible to all? meri awaaz aa rahi hai? yeah, aa rahi hai madam. acha ha. first of all, good afternoon to all of you and I am very thankful to Ranjit Dharmapurikar sir for taking up this initiative ki ye ek jo platform hai NAC helpline LIS group WhatsApp group, iske through we are able to reach out to many librarians all over Maharashtra ke. हम लोग आए दिन व्हाट्सएप ग्रुप में उनके कई सारे क्वेश्चंस वी सी दैट पीपल आर पोस्टिंग और हम लोग उन्हें सॉल्यूशन या फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बट ये अभी के लॉकडाउन पीरियड में एज वी ऑल नो दैट मेनी पीपल दे आर कंडक्टिंग वेबिनार्स, सो दैट्स व्हाई वी थॉट दैट व्हाई नॉट टू कंडक्ट वेबिनार ऑन दिस टॉपिक की 4.2 विच इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एज अ लर्निंग रिसोर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज हैविंग 20 वेटेज इन द टोटल NAC आउटलाइन, इन द NAC एक्रेडिटेशन आउटलाइन. नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, इन 1 मिनट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.
reason behind that is I'll just let you know later on. I am, as you all know, I am Shanteshri Sengupta. I have done my PhD from Savitribai Phule Pune University. My guide was Dr. S.K. Patil, sir. And I was previously working in Chanmal Tarachand Bora College, Shirur, Pune district. It was a rural college. I had faced three NAC accreditation cycles in that college. The first cycle was in 2003. In that, the college scored a B++. The second one was in 2012. In that, we got A grade. And the third NAC accreditation cycle, it took place in August 2018 under the revised NAC guidelines. And in that, the college again scored B++. So now, from September 2019, I left that Shirur College and I have joined in Progressive Education Society's Modern College of Arts, Science and Commerce, Shivaji Nagar. It is an autonomous college and that college is also A plus grade college. Now, coming to today's webinar, I'm very thankful to Sachin Shastri, sir, Dr. Sachin Shastri, sir, for taking up the qualitative metric. As we all know that in the present revised guidelines of NAC, they have divided all the complete jo sato criteria hai, usko unhone qualitative metric and quantitative metric mein divide kiya hua hai. Qualitative metric has got 30% of weightage और जो क्वांटिटेटिव मेट्रिक है जिसको QNM बोला जाता है QNM को है पूरे 70% वेटेज. हम लोग जो SSR भेजते हैं SSR में वी आर फिलिंग अप एवरीथिंग एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. जैसे ही IIQA का आपका सब कंफर्मेशन आ जाता है विद इन 45 डेज वी आर सपोज टू सेंड द SSR. SSR में आप सब डिटेल्स वगैरह आपके इंस्टीट्यूशन की फिलअप कर देते हैं एंड वॉट एवर इन डेटा वी आर इनपुटिंग इन दैट SSR, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन. इसीलिए बहुत ही ध्यान से वो SSR तैयार किया जाना चाहिए और वो ये कभी भी नहीं समझना चाहिए दैट इट इज द ओनली जॉब ऑफ IQAC कोऑर्डिनेटर कि वो अकेले करेंगे या फिर जो IQAC का पूरा जो एक अपनी कमिटी रहती है 16 जनों की या फिर 17 जनों की. ऐसा नहीं है. वी ऑल इवन इफ द लाइब्रेरियन इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट IQAC देर आर मेनी रोल्स दैट अ लाइब्रेरियन कैन प्ले इन प्रिपेयरिंग द SSR और इन हेल्पिंग द IQAC कमिटी टू प्रिपेयर द SSR नाइसली. आज के हमारे वेबिनार में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट आफ्टर डिस्कसिंग 4.2 वी ऑल फोर रंजीत सर सचिन सर माई सेल्फ एंड कालबंडे सर वी विल बी डिस्कसिंग दैट एक लाइब्रेरियन अदर देन द 4.2 हाउ कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर क्राइटेरिया. नाउ एज सचिन सर एक्सप्लेन रिगार्डिंग आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन. Can you see the screen now? I've shared it. Not now. Just for coming something. Hello. Black, it's showing black screen. Yes, hello. Yeah, can you see the screen? No. Yes. Yes. Yes, madam. Right. Yeah. Okay. Fine. Okay. Yeah, you can see it now? Yes, madam. Yeah. Yeah. Now, this is key indicator 4.2, library as a learning resource. It has got a weightage of 20, as I already mentioned. It is written over here that this is 20 marks pure hai, isko 20 weightage. Now, Sachin has already discussed the 4.2.1, jo ki QLM hai. टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप नैक का पूरा गाइडलाइन पढ़ोगे नैक का जो पूरा मैनुअल अगर आप पढ़ोगे इन दैट इट इज रिटन दैट द पीयर टीम इज सपोज टू गिव द मैक्सिमम टाइम फॉर क्वालिटेटिव मेट्रिक ड्यूरिंग देयर विजिट. जब पीयर टीम आपके कॉलेज में आती है तब उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वालिटेटिव मेट्रिक को देना चाहिए
because they are supposed to evaluate the department or the college based on this qualitative metric. और जैसे सचिन ने अभी पूरा अच्छी तरह से आपको बताया है कि लाइब्रेरी के ऑटोमेशन रिलेटेड सब डिटेल्स आपको इसमें देने हैं, आपका लाइब्रेरी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, फॉर द लास्ट 5 इयर्स यू हैव टू गिव द डेटा, देन मेनी थिंग्स ही हैज टोल्ड यू ऑलरेडी. सो आई एग्री विद ऑल दिस पॉइंट्स. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि अगर कोई कॉलेज ऐसा है दैट द कॉलेज इज नॉट यूजिंग इवन नाउ, अभी भी उस कॉलेज में कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया जा रहा है, देन प्लीज कन्विंस कीजिए आपके प्रिंसिपल को और आपके मैनेजमेंट को. वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका कॉलेज कोई तो सॉफ्टवेयर यूज करे, बिकॉज दिस कैरीज फोर्थ, दिस हैज गॉट अ फोर वेटेज. वी कैनॉट से इट एज मार्क्स, दिस इज नॉट मार्क्स एक्चुअली, उसको पॉइंट पकड़े जाते हैं. इसीलिए अगर आप किसी भी तरह से अगर आपके कॉलेज में नहीं है, आपके कॉलेज लाइब्रेरी में नहीं है सॉफ्टवेयर, कन्विंस कोई तो एक सॉफ्टवेयर आप लीजिए. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो दैट यू नो, अभी आजकल वेबिनार में भी आप देख रहे हैं कई सारे जो एसोसिएशन है, म्यूपला है, देन मुक्ता है, कई सारे लाइक कोल्हापुर यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कंडक्टिंग वेरियस वेबिनार्स, कोहा, ये सब जो सॉफ्टवेयर है उसमें खर्चा बहुत ही कम है, हार्डली 15-20 हज़ार में आपको वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा. गो फॉर दिस सॉफ्टवेयर, गो फॉर अ ट्रेनिंग. और कि अगर नहीं है आपके लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर, देन you are not going to score a single point in this question and it will be whole and sole responsibility of the librarian. So it is very much important ki aap aapke principal ko as well as aapke management ko convince kare ki koi to ek software aapko de. kai sare aise libraries hain, I know very well ki rural area mein, shaharon mein bhi ho sakta hai, lekin rural area mein dekha jata hai that वहाँ पे एक या दो ही स्टाफ मेंबर है, लाइब्रेरियन को ही सारी ड्यूटीज करनी पड़ती है, इशूइंग क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ऑर्डरिंग, एवरीथिंग द लाइब्रेरियन अपने आप ही अकेले कर रहा है. ऐसे केसेस में भी इवन इफ द लाइब्रेरियन हैज गॉट दिस प्रॉब्लम्स, हैज गॉट ऑल दिस ड्यूटीज ऑन हिज शोल्डर, ये यू हैव टू डू दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी, दैट प्लीज गो फॉर सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, और ज्यादा खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वी ऑल नो दैट अगर कॉलेज में हम लोग बहुत बड़ा कोई प्रपोजल डाल देते हैं कि इतने इतने हजार, इतने इतने लाख खर्च होंगे, देन एवरी वन विल थिंक वाई टू इन्वेस्ट ऑन ओनली वन डिपार्टमेंट. तो बेटर वे गो फॉर सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन प्रूफ रखिए. जैसे सचिन सर ने बोला है, आपको हर एक मॉड्यूल का एक आपको फोटो निकाल के रखना है, वर्ड फाइल में वो फोटोज आपको पोस्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो दिस फाइल डिस्क्रिप्शन इट इज रिटन अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड पेस्ट लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन विदाउट प्रूफ एक्ट डजेंट गिव मार्क्स फॉर एनीथिंग. आप कितना भी अच्छा काम अपने लाइब्रेरी में करो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव देम दिस पेस्ट लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, या फिर ये सब अगर आप नहीं देख सकते हो, कोई फायदा नहीं हो पाता है. ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग टू द क्वांटिटेटिव मेट्रिक. क्वांटिटेटिव मेट्रिक में सबसे पहला है द इंस्टीट्यूशन हैज सब्सक्रिप्शन फॉर द फॉलोइंग ई रिसोर्सेस. दिस कैरीज 6 पॉइंट्स का वेटेज दिया गया इस क्वेश्चन को. इज माई वॉइस क्लियर? यस मैडम, यस. हाँ, और स्क्रीन भी दिख रही है ना सर? हाँ, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है. ओके ओके ओके, या एज यू ऑल कैन सी इंस्टीट्यूशन हैज सब्सक्रिप्शन फॉर फॉलोइंग ई रिसोर्सेस, इसको 6 पॉइंट्स का वेटेज दिया गया है. अभी इसमें उन्होंने क्या क्या ई रिसोर्सेस हाईलाइट किए हैं. सबसे पहला है ई जर्नल्स, द सेकेंड वन इज ई शोध सिंधु, थर्ड वन इज शोध गंगा मेंबरशिप, फोर्थ इज ई बुक्स, fifth is databases, sixth is remote access to e-resources, and the answering options are A is any four or of the above, or more of the above, any three of the above, any two, any one, and the last one is none of the above. इसका
if you see the data requirement for this question is also last 5 years, क्योंकि NAC हम जानते हैं पहले NAC के cycle और दूसरे NAC के cycle के बीच में 5 साल का gap होना चाहिए, तो इसीलिए whatever data in throughout this पूरा जो आपका manual है उसमें except some of the questions जहाँ पे उन लोग 1 साल वगैरह का सिर्फ data मांगते हैं, in all rest of the questions they are asking for the 5 years of data, okay? एंड इसमें डेटा टेम्पलेट है, इफ यू ऑल गो थ्रू द गाइडलाइन देयर यू विल सी दैट दे हैव गिवन डेटा टेम्पलेट, डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप एंड डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो अपना पूरा एफिलिएटेड कॉलेज का मैनुअल है NAC के वेबसाइट में दिया हुआ है, दे हैव रिसेंटली अपडेटेड इट अगेन ऑन फेब्रुअरी 2020, प्लीज आप लोग सब बारी बारी से देखते जाइए NAC का वेबसाइट, ऑन पीरियोडिकली यू कीप ऑन चेकिंग द NAC वेबसाइट फॉर अपडेशंस, क्योंकि इसके पहले दिसंबर 2019 में भी एक अपडेट रिलीज किया गया था, इन जनवरी आल्सो दे रिलीज सम ऑफ द अपडेट्स, अभी फिर से फेब्रुअरी में उन्होंने रिलीज किया है अपडेट, एंड विद एवरी अपडेट दे आर डूइंग सम, या with every update, 4th of February it is updated, the affiliated college manual, yeah. With every update they are making some minor changes, so it is very important on the part of a librarian, not only librarian, abhi main librarian isliye bol rahi hu kyunki ye hamara apne profession ke bare mein main abhi baat kar rahi hu, but it is very much important for each one of us to go through the updations that are made in the NAC manual. मैनुअल में पूरा का पूरा मैनुअल आप एक बार पढ़िए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, इट इज डोंट थिंक कि मैं सिर्फ 4.2 का ही क्राइटेरिया देख लूंगी या देख लूंगा उससे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यू हैव टू रीड द कंप्लीट मैनुअल, क्योंकि आप जब भी कोई IQAC मीटिंग अटेंड करोगे या फिर आप अगर कॉलेज का जनरल मीटिंग भी अटेंड करते हो, यू योर व्यूज शुड बी वेरी क्लियर, और ये तभी, ये सर, या योर व्यू शुड बी वेरी क्लियर, या योर व्यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी जानना, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज मस्ट रीड, एटलीस्ट द टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द कॉलेज मस्ट रीड द IQ द NAC गाइडलाइंस और द NAC मैनुअल कंप्लीटली, इससे ये भी एक फायदा होगा दैट यू कैन इंटरलिंक द क्वेश्चंस, जैसे लाइब्रेरियन का जो रोल है 4.2 में सबसे ज्यादा है, लेकिन लाइब्रेरियन का रोल इवन रिसर्च क्राइटेरिया में भी है जो कि क्राइटेरिया नंबर 3 है, वी ऑल नो दैट रिसर्च एंड लाइब्रेरी दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन टीच द टीचर्स, कई सारी बातें हैं जैसे साइटेशन काउंट वगैरह है, वी विल गो इनटू दैट लेटर ऑन, व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस थिंग एट दिस पॉइंट इज, यहाँ पे जो एक डेटा टेम्पलेट लिखा हुआ है, दिस डेटा टेम्पलेट इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर पेज, दिस डेटा टेम्पलेट आप जब आपका पूरा मैनुअल जब खत्म होते जाता है, लाइक राइट नाउ वी आर इन द 65th पेज, 65 नंबर के पेज में है मैनुअल के, इस क्राइटेरिया से रिलेटेड, मतलब क्वांटिटेटिव मेट्रिक जो है 4.2 का, इससे रिलेटेड जो डेटा टेम्पलेट है वो पेज नंबर 110 के आगे शुरू होता है, तो आपको कौन सा डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है आपके पूरे फाइलिंग के तैयारी के लिए, ये पूरा डिटेल में बाद में फिर से दत्तात्रेय सर भी लेने वाले हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाईलाइट ऑफ दैट कि हमें हर एक क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा डेटा कैसे कैसे कलेक्शन करना है, इसके सब डिटेल्स आपको डेटा टेम्पलेट में मिलेगा जो कि मैनुअल के सबसे लास्ट के पार्ट में दिया हुआ है, उसमें ग्लॉसरीज भी है, कई सारे पॉइंट्स है जो हम लोग को कोई कोई टर्म्स कभी कभी समझ में नहीं आते, तो हम लोग NAC का जो मैनुअल है उसके लास्ट पार्ट में जो ग्लॉसरी दिया हुआ है NAC ने, वी कैन गो थ्रू दैट ग्लॉसरी, उस ग्लॉसरी से हम लोग को उसका, ग्लॉसरी इज नथिंग बट इट एज यू ऑल नो, वी ऑल आर लाइब्रेरियंस, वी ऑल नो व्हाट इज ग्लॉसरी, उसमें उसका डिटेल में मीनिंग दिया हुआ है कि क्या उसका, इन शॉर्ट व्हाट NAC एक्सपेक्ट to get the details from us. Okay, so now proceeding to this,
इंस्टीट्यूशन और सब्सक्रिप्शन फॉर फॉलोइंग रिसोर्सेज, कई बार हमारे नॉट ओनली इन आवर ग्रुप, कई सारे ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई शोध सिंधु या फिर शोध गंगा का मेंबरशिप कैसे लेना है, उसका कोई फॉर्म है क्या? सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट शोध गंगा, इट इज एज यू ऑल नो, इट इज इन्फिनिट इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन डेटाबेस. शोध गंगा इज एन ओपन एक्सेस डेटाबेस, उसको कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है. जितने भी अपने यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया, ऑल द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, दे आर मेंबर ऑफ शोध गंगा. उन्हें मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और वहां पे एक ईटीडी रिपोजिटरी है बेसिकली. शोध गंगा इट इज जस्ट एन ईटीडी रिपोजिटरी, एंड फॉर दैट ईटीडी रिपोजिटरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से एक कोऑर्डिनेटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव ठहराया जाता है. दैट पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द ईटीडीज इन दैट शोध गंगा. एंड कॉलेजेस को शोध गंगा, नॉट ओनली कॉलेजेस, थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी को भी अगर शोध गंगा एक्सेस करना है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यू नीड नॉट फिल अप एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म. इससे रिलेटेड जो एक सिमिलरली ई शोध सिंधु का भी एक बहुत बड़ा, एक्चुअली कई सारे लोगों को डाउट आता है कि ई शोध सिंधु का कैसे करना है. ई शोध सिंधु कॉलेज लेवल के लिए नहीं है, एज वी ऑल नो कि हम लोग मैक्सिमम कॉलेजेस दे हैव गॉट एनलिस्ट सब्सक्रिप्शन. एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन है जो एनुअल मेंबरशिप फॉर 2F 12B कॉलेजेस, इट इज 5,900 रुपीज पे करना पड़ता है एनुअली, एंड वी आर एक्सेसिंग दैट एनलिस्ट. यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटीज के लिए बेसिकली ई शोध सिंधु है. एनलिस्ट ई शोध सिंधु का ही एक हम लोग बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, कॉलेजेस में यूज करने के लिए दैट इज द ओनली डेटाबेस. वी हैड जब हम लोग अप्लाई किया था हम लोगों ने नैक में एक्रेडिटेशन के लिए, एंड इन माई अर्लियर कॉलेज इन सिटी बोरा कॉलेज, जो वहाँ के एक मैनेजमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी थे प्रिंसिपल नंद कुमार निकम सर, NS निकम सर, काफी सारे लोगों को आपको पता होगा, निकम सर इज प्रिंसिपल्स फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है, एंड ही वॉज वन ऑफ द नैक पीयर टीम मेंबर्स ऑल्सो. कई सारे स्टेट्स पे सर विजिट कर चुके हैं. सर ने एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ था इन नैक दैट दिस क्वेश्चन शुड बी रिवाइज, लेकिन ये हुआ नहीं क्वेश्चन रिवाइज, एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग, गोइंग ऑन कंटिन्यूइंग इट. आप में से कई सारे जनों को पता होगा कि पहले इसमें एक क्वेश्चन था रेयर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट का. जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तब ये क्वेश्चन था रेयर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट, बट इन द लेटेस्ट वर्जन जो रिविजन हुए हैं 2019 में, दे हैव डिलीटेड दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि रेयर बुक्स एक बार हो सकते हैं लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से लाएंगे. एंड इट इज नॉट ओनली कि आपने लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट ला के रख दिए, अगर आप पीयर टीम को मैन्युस्क्रिप्ट दिखाते थे तो पीयर टीम मेंबर्स ये भी आपको पूछेंगे कि आप मैन्युस्क्रिप्ट का प्रिजर्वेशन कैसे करते हो. एंड उस क्वेश्चन को सिर्फ 2 मार्क्स का वेटेज था, लेकिन देर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, एंड फाइनली वी आर थैंकफुल टू नैक दैट दे डिलीटेड दैट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो ई शोध सिंधु और शोध गंगा मेंबरशिप के बारे में आई एम शोइंग यू दिस. आई होप ऑल ऑल ऑफ यू कैन सी दिस क्वेरीज रिगार्डिंग शोध यस गंगा एंड ई शोध सिंधु. सचिन सर दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा यस यस है, यस यस अच्छा अच्छा दिख रहा है सो इन दैट इफ यू सी दिस इज अवेलेबल ऑन द शोध गंगा वेबसाइट. शोध गंगा के वेबसाइट में ये अवेलेबल है. अगर जरूरत पड़े, क्योंकि कॉलेज में जब IQAC वाले सब बैठते हैं काम के लिए, नॉट नेसेसरी दे विल नो कि शोध गंगा और ई शोध सिंधु की जरूरत नहीं है मेंबरशिप की. दैट टाइम एज अ लाइब्रेरियन यू नीड टू शो दिस सर्कुलर टू देम. इन दैट इट इज क्लियरली रिटन द इंफिमनेट सेंटर रिसीव्स न्यूमरस क्वेरीज फ्रॉम कॉलेजेस रिगार्डिंग मेंबरशिप टू शोध गंगा एंड ई शोध सिंधु. फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड. शोध गंगा इज एन ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ऑफ फुल टेक्स्ट थीसिस सबमिटेड टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया.
मेंबरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये क्लियरली दिया हुआ है, मेंबरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्राउज व्यू सर्च एंड डाउनलोड थीसिस। और इसके बाद आगे उन्होंने सब इसके लिए दिया हुआ है दैट फॉर द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को एमओयू साइन करना पड़ता है। आई एम नॉट गोइंग इन टू द यूनिवर्सिटी पार्ट बिकॉज देयर क्वेश्चन आर ऑल्सो बिट डिफरेंट फ्रॉम आस। यस सर, इन द सेम वे ई शोध सिंधु का भी उन्होंने दिया है दैट कॉलेजेस दैट आर कवर्ड अंडर 12B and 2F सेक्शंस ऑफ द यूजीसी एक्ट एंड आर अंडर डायरेक्ट परव्यू ऑफ यूजीसी आर एंटाइटल्ड टू गेट एक्सेस टू ई रिसोर्सेस अंडर एनलिस्ट प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर जितने भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेजेस है जो 12B 2F वाले हैं, हम लोग सब एलिजिबल हैं यूजीसी के एनलिस्ट प्रोग्राम के लिए, इंटरमीडिएट के एनलिस्ट प्रोग्राम के लिए। देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग। यहाँ पे ये भी दिया गया है दैट एनलिस्ट इज कॉलेज कंपोनेंट ऑफ ई शोध सिंधु, एनलिस्ट सब्सक्राइब्स टू अ सबसेट ऑफ ई रिसोर्सेज दैट आर सब्सक्राइब्ड अंडर ई शोध सिंधु। एज सच कॉलेजेस दैट आर ऑलरेडी गेटिंग एक्सेस टू ई रिसोर्सेज अंडर एनलिस्ट डू नॉट रिक्वायर मेंबरशिप ऑफ ई शोध सिंधु। तो वेरी क्लियरली दिस सर्कुलर मेक्स अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पे जब आप हाईलाइट करोगे शोध गंगा का, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट बिकॉज शोध गंगा ने क्लियरली बोला ही हुआ है कि शोध गंगा मेंबरशिप इज फ्री। डेटा बेसिस में यू कैन राइट डाउन एनलिस्ट, और अगर आप डेललेट भी सब्सक्राइब करते हो तो डेललेट भी, बिकॉज डेललेट इज ऑल्सो नॉट दैट मच कॉस्टली। और डेललेट में अभी उन्होंने एक नया फीचर भी ऐड किया हुआ है, लाइक दे हैव एडेड मेनी रेयर बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हम लोग नॉर्मली अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भी दे सकते हैं रेयर बुक्स के ये डाउनलोड करके। And other than that, there is one remote access to e-resources. Now, this remote access to e-resources, it depends on the library कि आप वो कैसे करते हो आपके कॉलेज में। Many a times, like हम लोग एक रिपोजिटरी, अगर आप इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाया है अपने आपके अपने अपने लाइब्रेरी के लिए, इट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज ये पार्ट एक दत्तात्रेय कालमंडी सर भी कवर करने वाले हैं कि लाइब्रेरी वेबसाइट जो है अपनी, इन दैट लाइब्रेरी वेबसाइट हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन करके ई रिसोर्सेस अपलोड कर सकते हैं। डोंट अपलोड द फुल टेक्स्ट पीडीएफ प्लीज, भले ही वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीडीएफ ड्राइव या फिर जो भी आजकल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं, बट दे आर वायोलेटिंग द कॉपीराइट एक्ट दैट वी ऑल नो। ठीक है, अभी छुट्टियों में क्या करेंगे इसलिए लोग पढ़ते रहते हैं, बट दे आर वायोलेटिंग द कॉपीराइट एक्ट। वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज देयर आर मेनी रिसोर्सेज, भले एनलिस्ट में भी, अभी एनलिस्ट में वी ऑल नो दैट एनलिस्ट आपको 31,35,000 ई बुक्स को एक्सेस देता है, एज वेल एज देर आर 6,000 जर्नल्स। लेकिन आप किसी को भी पूछिए कि 31,35,000 बुक्स आपने एक्सेस किए हैं क्या कभी, वी ऑल विल से नो, नहीं किए, क्योंकि हमें कभी इतने सारे बुक्स एक्सेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इन दिस रिमोट एक्सेस का जो क्वेश्चन है, इन दिस रिमोट एक्सेस यू कैन डू दिस वर्क कि यू कैन, अगर आपके लाइब्रेरी में स्टाफ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ द अर्न एंड लर्न स्कीम स्टूडेंट्स, जो कमवा यानी शिकवा योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स आते हैं। आप उनको कुछ दिनों का ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देके उनको आप बता सकते हैं कि भाई आप किसी एक स्टूडेंट को आप बोल सकते हो कि आप आर्ट्स फैकल्टी के सारे सब्जेक्ट के ई रिसोर्सेस के लिंक्स डाउनलोड कर लो एनलिस्ट में से देख के। किसी और स्टूडेंट को आप साइंस फैकल्टी का दे सकते हो, किसी और को आप कॉमर्स का दे सकते हो। एंड व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज यू जस्ट नीड टू गिव अ लिंक ऑफ ऑल दीज ई रिसोर्सेस। फुल टेक्स्ट नहीं देना है हमें, लिंक आप आपके लाइब्रेरी के वेबसाइट में डालो या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट में कोई तो एक ऐसा आप
सब मेनू बना सकते हैं कि लिंक टू ई रिसोर्सेस, और अगर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है आपका देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाते हैं उसमें. इन दिस वे यू कैन प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेस वाई मेंटेनिंग द डेटा. यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा रिक्वायरमेंट फॉर 5 ईयर्स, फॉर लास्ट 5 ईयर्स, डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप. डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप में सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग इन दैट, यहाँ पे जो ई बुक्स दिया हुआ है, ई बुक्स आप शोध गंगा का भी ई बुक उसमें डाल सकते हैं, कि ये जो एक्सेल फाइल सारे अपलोड करने रहते हैं एसएसआर के टाइम पे, देयर यू कैन मेंशन ऑल दिस थिंग्स एज वेल एज, हर एक जगह पे लिखा हुआ है अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस पार्ट इज गिवन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन. There is another database that we all can access, and it is also totally free of cost. That is the National Digital Library, NDL. NDL में आपको right from school till university या उसके भी beyond continuing education, ये भी आप इसमें add कर सकते हैं. That through NDL also you are providing an access to e-books. So all these things you can add over here. You can add in this additional information. Details of membership में जब भी हम लोग कोई subscription का amount pay करते हैं, like शोध गंगा का तो पूरा quotation आप सबको मालूम है, that शोध गंगा I will just not शोध गंगा sorry Enlist Enlist का I will just show you this website as it is written over here that quotation है यहाँ पे. Just a second. If you can see this part, quotation of 2020-21, मतलब अभी जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए ये कोटेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है. इन दैट दे विल मेंशन द अमाउंट, और डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी आप जैसे भी या तो NIFT, RTGS या DD वगैरह जैसे भी भेजना है, you will need to pay the amount, the registration amount to Enlist. Now, once you pay the amount, जैसे ही उन लोगों को अमाउंट मिल जाता है एडमिन के लॉग इन से, ज्यादातर कॉलेजेस में हो सकता है लाइब्रेरियन को ही एडमिन रखा जाता है, ये यहाँ पे जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन है, एडमिन के लॉग इन से दे गिव यू सम ऑप्शंस दैट डाउनलोड द रिसीट. ये रिसीट आप आपके फाइल में लगाकर रख दीजिए. दैट विल बी योर डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि आप सालाना पे कर रहे हैं, आप सालाना इतना इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट विल बी योर डिटेल ऑफ सब्सक्रिप्शन. उसी तरीके से एनडीएल में जब हम लोग मेंबरशिप के लिए मेल भेजते हैं, एनडीएल जैसे मैंने आपको बताया है इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन एनडीएल आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपका रजिस्टर हो गया है इसका एक मेल भेजता है. दैट मेल कैन वर्क एज अ प्रूफ ऑफ द मेंबरशिप डिटेल्स. नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, यहाँ पे जैसे दिया है फाइल डिस्क्रिप्शन अपलोड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट, या फिर हम लोग जैसे हम लोग हमारे इधर लाइब्रेरी में भी करते हैं, आपके स्टूडेंट्स को आप जब ट्रेनिंग देते हैं, एज अ लाइब्रेरियन वी ऑल नो दैट वी आर सपोज टू गिव देम इंफॉर्मेशन लिटरेसी या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. हम लोग जब स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन लिटरेसी देते हैं, और अगर स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी में आते हैं एक्सेस करने के लिए ई रिसोर्सेस को, यू कैन जस्ट क्लिक सम फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टूडेंट्स की दे आर एक्सेसिंग द ई रिसोर्सेस, या फिर आप एक सर्वे ले सकते हैं. Yearly you can take a survey or half yearly you can take a survey that how many students they have accessed. क्योंकि Enlist में you can download the usage statistics. Admin के login के through from Enlist you can download the usage statistics. And please listen this thing very carefully. When the peer team members they come to the library, नॉर्मली लाइब्रेरी को काफी टाइम दिया जाता है, आधा आधा घंटा तो एटलीस्ट दिया ही जाता है, हाफ एन आवर मैक्सिमम दे गिव.
डेफिनेटली आस्क दैट व्हाट इज द प्रूफ कि आपके कॉलेज के लोग एनलिस्ट एक्सेस करते हैं, ठीक है, एज अ लाइब्रेरियन यू हैव केप्ट द मेंबरशिप प्रूफ, आपने अमाउंट पे करने का भी प्रूफ रखा है, बट व्हाट इज द प्रूफ दैट योर कॉलेज इज एक्सेसिंग एनलिस्ट? द यूसेज स्टैटिस्टिक्स दे डू हेल्प अस इन दिस केस. आई वेरी वेल नो कि कई सब कई सारे पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि यूसेज स्टैटिस्टिक्स तो समटाइम्स इट इज वेरी पुअर, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, आप कितना भी ट्रेनिंग दो लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, बट वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट कुछ तो करके. एटलीस्ट वी कैन रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल, वी कैन रिक्वेस्ट द एचओडीज टू फ्रेम द असाइनमेंट्स इन दैट वे, क्योंकि आजकल क्रेडिट पैटर्न हर जगह पे चल रहा है, क्रेडिट पैटर्न फर्स्ट ईयर में भी आ, नॉट ओनली इन पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में भी आ गया है अभी. आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी इट इज इवन इंट्रोड्यूस्ड इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. तो क्रेडिट प्रोग्राम क्रेडिट कोर्सेज में जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, दोज असाइनमेंट्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनलिस्ट. एनलिस्ट के ऊपर बेस करके आप दे सकते हैं जस्ट एक छोटा सा असाइनमेंट दैट सर्च दिस दिस सब्जेक्ट का आर्टिकल एंड दिस विल हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द यूसेज स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि अगर यूसेज स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं रहा तो गलती हमारी नहीं रहती एज अ लाइब्रेरियन, बट वी हैव टू लिसन अ लॉट, वी हैव टू हियर अ लॉट ऑफ द मेंबर्स. तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज, वी कैन ट्राई टू इंक्रीज द यूसेज स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनलिस्ट. एंड वन थिंग इससे रिलेटेड जो मैंने आपको तब बोला था दैट द डेटा टेम्पलेट्स दे आर देयर, डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस लाइक ई जर्नल्स ये सब दिया हुआ है. आई विल नाउ गो टू द डेटा टेम्पलेट. Yeah, so this is the data template regarding which I was telling you. All of you can see the screen, Sachin sir. Yes. Data template yeah. नहीं दिख रहा है मैडम. Data template अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिखेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको देखने के लिए. ओके ओके. This is that key indicator 4.2, ये दिख रहा है आपको? नहीं, अभी थोड़ा नीचे 7.1.4 दिख रहा है. एक्सेल फाइल नहीं दिख रहा है आपका? एक्सेल फाइल नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, एक्सेल नहीं है सर, एक्सेल नहीं है, आई एम शोइंग इट इन द सेम मैनुअल. या सर दिख गया, इट इज ओके ओके. यस, वो दिख रहा है. या दिस इज द मैनुअल में ही है, ये मैनुअल में 141 पेज में है. यस यस. तो इन दिस एज यू कैन सी यहां पे दिया हुआ है 4.2.2 इंस्टीट्यूशन हैज सब्सक्रिप्शन फॉर फॉलोइंग ई रिसोर्सेस जो हम लोग अभी ले रहे हैं. इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.2.3, ये थर्ड क्वांटिटेटिव मेट्रिक क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है एंड सेकेंड क्वांटिटेटिव मेट्रिक का क्वेश्चन है. इसमें दिया गया है एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ बुक्स, ई बुक्स एंड सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स, ई जर्नल्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स. ये सब अमाउंट जो है, जो बजट का डिटेल्स है, ये हम लोगों को लैक्स में देना है. वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लैक्स एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर. इसको इस क्वेश्चन को वेटेज दिया गया है 5 पॉइंट्स का वेटेज दिया गया है. अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दे दिया है दैट वी हैव टू गिव देम द डिटेल्स ऑफ 5 ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड दिस इज ईयर 5. हर एक साल में सेम डिटेल्स ही है. द डिटेल्स आर फर्स्ट कॉलम इट इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी रिसोर्सेस, उसमें उन्होंने कैटेगरीज दिए हैं बुक्स, जर्नल्स, ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई शोज, इन दू सेम कैटेगरीज दिए हैं. ये जब SSR में हम लोग फिलअप करने वाले रहते हैं, ये तब एक्सेल फाइल में आता है. इन एक्सेल फाइल वी कैन क्लब
सम ऑफ द रोज नो प्रॉब्लम लाइक जैसे शोध गंगा बोल रही हूँ मैं, सॉरी एनलिस्ट, एनलिस्ट का अगर आप मेंशन कर रहे हो, एनलिस्ट में आप सेपरेट सेपरेट नहीं करते हो, एनलिस्ट इज अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर विच वी आर पेइंग 5900, तो उसमें कंप्लीट आप ई बुक्स ई जर्नल्स का चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, इफ योर कॉलेज इज परचेजिंग सेपरेट डेटाबेस ऑफ ई जर्नल्स इट इज डिफरेंट, लेकिन नॉर्मली जैसा देखा जाता है कि ई जर्नल्स का सेपरेट नहीं करते, ई बुक्स का सेपरेट नहीं करते, सिर्फ एक एनलिस्ट हम लोग खरीदते हैं, तो वी कैन कंबाइन दैट थिंग and we have done it in that way, that's why I'm telling you. The first column it deals with if yes, details of membership and subscription. So yahan pe aap unka jo bhi receipt number hai payment ka ya fir UTR number jo aata hai NEFT karne ke baad, that you can write over here. Expenditure on subscription to e-journals and e-books. Yahan pe aapko amount likhna hai. जो आपने ई बुक्स एंड ई जर्नल्स के लिए दिया हुआ है दैट अमाउंट यू नीड टू राइट एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट अमाउंट इन लैक्स. द थर्ड कॉलम इट इज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सक्रिप्शन टू अदर ई रिसोर्सेस. अदर ई रिसोर्सेस में आपका डेटाबेस भी आप लिख सकते हैं या फिर इफ यू हैव गॉट सब्सक्रिप्शन टू सम व्हाटएवर इज नॉट रिटन हियर दैट यू हैव टू राइट हियर. सेम सेम डिटेल्स मत लिखिए, जो आपने इधर नहीं लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन अगेन, अदरवाइज अगर आपने सेम लिखा, कई बार देखा जाता है कि SSR सबमिशन के बाद जो डीवी जो क्वेरीज आते हैं DVV के, वहां पे उन लोग बोलते हैं कि आपने सेम डेटा रिपीट किया हुआ है, तो प्लीज मॉडिफाई द डेटा. तो वॉट एवर यू हैव रिटन इन दिस कॉलम वो छोड़ के आप यहाँ पे लिखिए अगर है तो. लास्ट में है टोटल लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, मतलब इन सब ये जो दोनों कॉलम है उनका टोटल आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, टोटल लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर. एंड द लास्ट वन इज लिंक टू रेलेवेंट डॉक्यूमेंट. इसमें आप लिंक तैयार, आपका जो भी वर्ड फाइल वगैरह अगर आप कुछ तैयार करते हो या फिर आपका कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में वेबसाइट के का भी आप इसमें लिंक दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल योर लाइब्रेरी वेबसाइट, योर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी वेबसाइट, ऑल दोस लिंक्स यू कैन प्रोवाइड हियर. नाउ दिस सेम डेटा हैज टू बी रिपीटेड फॉर एवरी ईयर. दिस क्वेश्चन इज, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी दैट whatever amount you are going to mention here, ye amount aur aapka ek question hai, I think in the library part only it is there, nahi to it is either in the 4.1.1 budget related question hai wo 0.1 mein physical resources of the institution, uspe budget aap kitna kharcha karte hai, aur aapko ye bhi मालूम होना चाहिए दैट वी नीड टू अपलोड द ऑडिट रिपोर्ट. आई विल जस्ट गो बैक टू द मेन पार्ट. जस्ट अ सेकंड. वी नीड टू अपलोड द ऑडिट रिपोर्ट एंड इन दैट ऑडिट रिपोर्ट वहां पे जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट शुड मैच विद योर डेटा. ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल भी कि वो डेटा कुछ अलग है और आपका डेटा कुछ अलग है. नाउ आई कम बैक टू दिस. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस स्क्रीन नाउ. सचिन इज दिस विजिबल नाउ? यस इज विजिबल मैडम. या सो आई कम बैक टू द मेन क्वेश्चन पार्ट. यहाँ पे जैसे उन्होंने डेटा मतलब इन ब्रीफ दे हैव गिवन इट और उसका डेटा टेम्पलेट अभी हमने नीचे देखा है. They have given that last five years का वहाँ पे data दिया हुआ है. Any additional information, audited statement of accounts. I was talking about this audited statement of accounts. We need to upload the audited statement of account or during filling up of the SSR and it is very important. Now coming back to the affiliated college structure, we all know that हमारे कॉलेजेस में कई बार ऐसा होता है दैट देयर आर ग्रांटेबल कोर्सेस एज वेल एज देयर आर नॉन ग्रांटेबल कोर्सेस.
नॉन रेंटेबल कोर्सेस का अकाउंट कई जगहों पे अलग रखा जाता है, दे मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट, रेंटेबल कोर्सेस के लिए सेपरेट अकाउंट होता है। वैसे ही जिन कॉलेजेस को यूजीसी ग्रांट्स मिलते हैं, यूजीसी ग्रांट्स के लिए अकाउंट सेपरेट रखा जाता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो सीन दैट इफ योर कॉलेज, अगर आपके कॉलेज को डीएसटी फिस्ट, डीएसटी फिस्ट इट इज वेरी बिग स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली का, अगर उसका भी आपको ग्रांट मिल रहा है तो वो अकाउंट भी सेपरेट, एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अगर स्टार कॉलेज है आपका कॉलेज, उसके भी ग्रांट के लिए अकाउंट सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है। ये सब जो अकाउंट है, ये अकाउंट्स इफ द कॉलेज इज मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑल दीज ग्रांट्स और ऑल दीज स्कीम्स, आप जब ऑडिटेड स्टेटमेंट अपलोड करोगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जितने भी स्कीम्स आते हैं आपके कॉलेज बजट में तो जर्नल्स और बुक्स के लिए रहते ही ऑप्शन फीस रहते ही है, लेकिन यूजीसी ग्रांट हो, आपका यूजीसी के नॉर्मल जनरल कॉलेज डेवलपमेंट के ग्रांट हो, या फिर आपका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का ग्रांट हो, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का ग्रांट हो, या फिर आपका डीएसटी फिस्ट का ग्रांट हो, डीबीटी स्टार कॉलेज का ग्रांट हो, एवरीवेयर दे गिव सम अमाउंट फॉर परचेजिंग ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, इफ नॉट जर्नल्स डेफिनेटली बुक के ग्रांट रहते ही है, लाइक डीएसटी फिस्ट गिव्स अमाउंट फॉर बुक्स इन इट्स फर्स्ट फेज। अगर आपके हियर इफ यू आर मेंशनिंग कि 2017-18 में डीएसटी फिस्ट के ग्रांट्स आए थे और आपने इतने 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 लाख खर्च किए हैं यहाँ पे, आपका जो जब आप ऑडिटेड स्टेटमेंट अपलोड करोगे, ऑडिटेड स्टेटमेंट में आपको वो अमाउंट दिखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपने डेटा टेम्पलेट में लिखते टाइम लिखा है योर कॉलेज हैज स्पेंट 3 लाख का आपने खर्चा किया है 2017-18 में, और आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट में दिख रहा है कि 1.5 लाख का ही खर्च हुआ है, देन डीवीवी इज गोइंग टू आस्क यू कि यहाँ पे वेरिएशन क्यों दिख रहा है। तो अवॉइड दीज थिंग्स प्लीज, यू नीड टू टॉक, आपको आपके कॉलेज के साथ, कॉलेज अथॉरिटीज के साथ बात करनी पड़ेगी दैट ऐसे केसेस हुए हैं कि डीवीवी में ये क्वेरीज आते रहते हैं। दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन इन डीवीवी कि यहाँ पे आप एक अमाउंट मेंशन कर रहे हो और आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट दूसरा ही अमाउंट मेंशन कर रहा है, और ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूशन नॉन ग्रांटेबल कोर्सेस का नहीं दिखाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। अगर नहीं भी दिखाते उन लोग पूरा का पूरा ऑडिट स्टेटमेंट, आप इतना एटलीस्ट आपके कॉलेज के अकाउंटेंट के साथ, आपके कॉलेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, दोनों के साथ, एज वेल एज आपके प्रिंसिपल, आपके मैनेजमेंट के साथ बात करके इन अ सेपरेट शीट यू मेक मेंशन, आप एक मेंशन कीजिए कि हर एक साल में इंडिविजुअली, जो 5 साल का आपको डेटा देना है, हर एक साल में इंडिविजुअली कितना अमाउंट बुक्स के लिए गया है, मतलब प्रिंट बुक्स, कितना अमाउंट बुक्स के लिए गया है, कितना अमाउंट ई बुक्स के लिए गया है, कितना अमाउंट जर्नल्स के लिए गया है, प्रिंट जर्नल्स, कितना अमाउंट डेटाबेसेस के लिए गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक्स और जर्नल्स के हमारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट में जनरली, लेकिन जो लोग एनलिस्ट का जो एक सब्सक्रिप्शन भेजते हैं पूरे साल के लिए 5,900 का, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, वो मिसेलेनियस में चला जाता है ऑडिट स्टेटमेंट में, वो मिसेलेनियस में नहीं जाना चाहिए। दैट शुड गेट हाइलाइटेड ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज इफ इट डजेंट गेट हाइलाइटेड इन योर ऑडिट रिपोर्ट, या तो डीवीवी में आएगा, नहीं तो जब पीएम टीम वाले आपके ऑफिस में रिकॉर्ड्स चेक करते हैं दैट टाइम दे कैन आस्क कि आपका ऑडिट स्टेटमेंट इतना डिफर क्यों करता है, वॉट एवर डेटा आपने नैक को भेजा है, आपने अपलोड कुछ किया है, आपने डीवीवी में कुछ रखा हुआ है, एंड माइंड इट, वो इतना प्रेशर का वक्त रहता है तब हम लोग कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, इवन इफ वी नो द आंसर, वी नो द रीजन, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि ये अमाउंट मैच हो, भले ही
पूरे कॉलेज का आपको अमाउंट ना दिखाना हो, लेकिन आपके लाइब्रेरी से जितने फील्ड है उतने अमाउंट सेपरेटली दिखने चाहिए, एंड दैट शुड बी साइंड बाय योर प्रिंसिपल, योर अकाउंटेंट एंड योर चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दिस शुड बी साइंड. बिना सीए और बिना प्रिंसिपल के सिग्नेचर के डोंट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट. एंड व्हाट वी गेट, जब हम लोगों ने सिटी बोरा कॉलेज में ऑडिट रिपोर्ट अपलोड किए थे, हाईलाइटर से या फिर मार्कर से हमने वो जो फील्ड है वो हाईलाइट भी कर दिए थे, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर द नेक्स्ट पीपल. कि क्योंकि ऑल ये जो सब काम है क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स का, जो 70% का काम रहता है, दिस वर्क इज डन बाय थर्ड पार्टी पीपल. ये थर्ड पार्टी के लोग ओर से किया जाता है. दे नॉट नेसेसरी दे नो ईच एंड एवरी डिटेल. दे हैव गिवन सम ऑफ द मेट्रिक्स. उन लोग उतना ही देखते हैं कि ये है क्या आपके ऑडिट रिपोर्ट में, है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जीरो. बेटर वे ट्राई टू हाईलाइट. आप मार्कर हाईलाइटर्स का यूज करो, हाईलाइट दैट बुक्स का बजट, पीरियोडिकल्स का बजट, ई रिसोर्सेस का बजट इन योर ऑडिट रिपोर्ट एंड अपलोड इट. सो नाउ मूविंग ऑन टू द आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स. या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और पूरे 4.2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है. दैट इज परसेंटेज पर डे यूसेज ऑफ लाइब्रेरी बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट, फुटफॉल्स एंड लॉगिन डेटा फॉर ऑनलाइन एक्सेस. परसेंटेज पर डे यूसेज ऑफ लाइब्रेरी बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फुटफॉल्स एंड लॉगिन डेटा फॉर ऑनलाइन एक्सेस. ये डेटा हमें देना है लास्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर का. और मतलब अगर समझो इस साल आपके यहाँ पे नैक आने वाली है, 2020 में अगर आपके यहाँ पे नैक आने वाली है, तो 2018-19 का डेटा आपको उनको देना है. जो लास्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर है उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे देना है. नाउ वी ऑल नो कि हम लोग कितनी भी कोशिश करें, देयर इज अ कई बार देखा जाता है कि लाइब्रेरियन इज गिविंग, लाइब्रेरियन एज वेल एज द लाइब्रेरी स्टाफ, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, सब अच्छे अच्छे बुक्स, अच्छे जर्नल्स, योर वेबसाइट इज अप टू डेट, एवरीथिंग इज देयर इन द लाइब्रेरी, वी कंडक्ट एग्जीबिशंस, वी डू एवरीथिंग, बट स्टिल द नंबर ऑफ टीचर्स एंड टीचर्स दैट कम टू द लाइब्रेरी इज लेस. स्टूडेंट्स तो खैर आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को बुक्स इशू करने पड़ते हैं या फिर आपका रीडिंग हॉल एक्सेस करने पड़ते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ टीचर्स दैट आर कमिंग. रिगार्डिंग दिस ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल यू हैव टू फाइंड आउट मेजर्स, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं. यू कैन ऑर्गेनाइज certain kind of competitions, you can organize certain, मतलब ऐसे competitions वगैरह, debate competitions, कोई ना कोई programs आप इसमें organize कर सकते हैं. या फिर another thing you can do is keeping in mind कि अगले साल हमें NAC के लिए जाना है, you can organize certain kind of workshops in the library जो कि teachers के लिए बहुत useful होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप एनलिस्ट कैसे यूज करना है. एनलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज आप एक एक डिपार्टमेंट के टीचर्स को बुला के आप उनको बता सकते हैं कि आपके फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इतने इतने ई बुक्स है, इतने इतने आपके ई रिसोर्सेस है, सब्जेक्ट डेटा, सब्जेक्ट गेटवेज है, वर्चुअल लाइब्रेरीज कौन कौन से. डिपार्टमेंट वाइज यू कैन कंडक्ट द वर्कशॉप, छोटे छोटे, हार्डली 2-3 दिन के आप वर्कशॉप लीजिए, 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का वर्कशॉप लीजिए. इन दैट वे यू कैन मेक द टीचर्स कम टू द लाइब्रेरी. अगर लाइब्रेरी में नहीं भी लेना है, आप जहां पे भी, अगर आपके कंप्यूटर साइंस लैब में भी आप ले रहे हो, वहां पे यू मेक इट अ पॉइंट कि टीचर्स आके वो वर्कशॉप अटेंड करें. एंड यू नॉट ओनली रिलेटेड टू द ई रिसोर्सेज, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन विच वी लाइब्रेरियंस कैन वर्क इज जो मैंने पहले भी बोला है, रिसर्च क्राइटेरिया. यू कैन एक्सप्लेन देम कि साइटेशन काउंट कैसे बढ़ाया जा सकता है. स्टाइल मैनुअल्स, जैसे शिकागो स्टाइल मैनुअल है, आपका एपीए मैनुअल है, एमएलए मैनुअल है. वी ऑल नो कि डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट वी सिलेक्ट द स्टाइल मैनुअल.
तो यू कैन ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ वर्कशॉप फॉर द टीचर्स कि कौन सा स्टाइल मैनुअल कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट रहता है, उसमें साइटेशन कैसे दिया जाता है, ऑथर का नाम कैसे लिखना चाहिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बीओआई जो ऑनलाइन जर्नल्स जो जर्नल्स रहते हैं उनके लिए बीओआई मेंशन करना, क्या व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीओआई, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर साइटेशंस में रिट्रीव्ड फ्रॉम कौन सा वेबसाइट, यूआरएल मेंशन करना क्यों जरूरी है, वो यूआरएल कब आपने एक्सेस किया था ये मेंशन करना क्यों जरूरी है, ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बातें एज अ लाइब्रेरियन वी नो, तो ये चीजें हम लोग टीचर्स को बता सकते हैं बाय कंडक्टिंग सर्टेन काइंड ऑफ सर्टेन शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कशॉप्स। इन वर्कशॉप्स के थ्रू वी विल एजुकेट आवर टीचर्स आल्सो, वी विल मेक देम अवेयर ऑफ दिस ऑल डेवलपमेंट, एज वेल एज हम अपना भी काम कर लेंगे कि ये जो पर डे यूसेज ऑफ लाइब्रेरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और स्टूडेंट्स का जैसे मैंने बोला है स्टूडेंट्स इज डेफिनेटली यू कैन मतलब स्टूडेंट्स का ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज फॉर यूसेज पर्पस दे डू कम, फुटफॉल्स एंड लॉग इन डेटा फॉर ऑनलाइन एक्सेस इट इज रिटन ओवर हियर, खूब डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करते हैं, चांगला है। एज वी ऑल नो कि ज्यादातर कॉलेजेस में अभी डेटाबेस तो यूज किया ही जा रहा है और कई सारे डेटाबेस सॉरी सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, एंड मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर दे हैव ऑलरेडी हैव दैट इनबिल्ट ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस, अगर आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आपके लाइब्रेरी में इंस्टॉल करवाया आपके रीडिंग हॉल के बाहर या आपके लाइब्रेरी के बाहर, अगर आपके लाइब्रेरी का एक ही दरवाजा है वहां से ही आपके मेन लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हैं और वहां से ही आपके स्टैकिंग में आपके रीडिंग हॉल में एंटर कर सकते हैं, तो आप लाइब्रेरी के एंट्रेंस में ही किसी एक पर्सन को बिठाइए, आपके प्यून वगैरह को बिठा दीजिए, एंड दैट पर्सन विल जस्ट हैव टू सिट ओवर देयर, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के थ्रू जैसे ही आपका स्टूडेंट या फिर अगर आपके जब टीचर्स भी आते हैं दे कैन जस्ट स्कैन देयर कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, या फिर अगर लाइब्रेरी का सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड है तो दे कैन जस्ट स्कैन दैट आई कार्ड, और आई कार्ड के बार कोड के थ्रू देयर अटेंडेंस विल गेट रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली इन द सॉफ्टवेयर, अगर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के भी सेपरेट सॉफ्टवेयर आते हैं, there are many people who are dealing with all these things, these data can be used for this question and not only can be this data is to be used for this question, aapko jo upload wagera karna hai details yahan pe jo diya hua hai file description upload any additional information aap ye sare details usme upload kar sakte hain, jab aapke peer team members aayenge aapke library mein that time also if they see that the library has got all these options then definitely bhale hi quantitative metric ke marks peer team member ke haath mein nahi rehte hain lekin un log jo overall report likhne wale hain 30% ke liye jo overall college ka un log report likhenge they do mention jo SWOT analysis un log karte hain usme un log mention karenge that the library is up to date with the recent developments or the innovative equipments or innovative ideas, so please think about accessing of all these things. Now coming back to this number of teachers, isme unhone ek sub point diya hai number of teachers and students using library per day over last 1 year, data required is upload last page of accession register details, अपलोड लास्ट पेज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर डिटेल्स में इसमें कई सारे ऐसे डाउट्स आते हैं दैट एक्सेशन रजिस्टर का लास्ट पेज अपलोड करना है या फिर आपके जो अगर मैनुअल सिस्टम आप लोग यूज करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स एंट्री का या टीचर्स एंट्री का वो अपलोड करना है, इट आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ड्यूरिंग मतलब 2018 में व्हेन वी फेस नैक वी हैड अपलोडेड द एक्सेशन रजिस्टर जिसमें बुक्स एंट्री की जाती है, हमारे जितने एक्सेशन रजिस्टर थे बिकॉज वी वर मेंटेनिंग सेपरेट एक्सेशन रजिस्टर्स फॉर सीनियर जूनियर कॉलेज एंड
वी डिड नॉट अपलोड जूनियर सॉरी सीनियर कॉलेज एंड यूजीसी, ये दोनों के एक्सेशन रजिस्टर के लास्ट पेज हमने अपलोड किए थे एंड दैट वाज एक्सेप्टेड. वी डिड नॉट रिसीव एनी क्वेरी फॉर दैट. सो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी एक्सेशन रजिस्टर ओनली, लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर. मेथड ऑफ कंप्यूटिंग पर डे यूसेज ऑफ लाइब्रेरी, नंबर ऑफ यूजर्स, ये सब फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली वी नीड टू कैलकुलेट द डेटा. I have tried to cover all the three questions with whatever experiences I had. I would like to show you one more document before requesting Datta to cover, continue with the third part of this webinar. NAC ke website mein there is this guidelines is given. I hope ye sabko dikh raha hai guideline. Yeah. सचिन सर, रंजीत सर, ये दिख रहा है? ये नैक के वेबसाइट में दिया हुआ है, गाइडलाइंस ऑन क्वालिटी इंडिकेटर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए. या इसमें स्किप द इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दैट देयर आर सम क्वेश्चंस दे हैव गिवन. Does the library function on Saturdays, Sundays, holidays? जैसे हम लोग जानते हैं कि एग्जाम पीरियड के लिए आप लोग कुछ स्पेशल ऑप्शन रखते हैं क्या, या फिर रीडिंग हॉल आप सर्विसेज देते हैं कि एक्स्ट्रा. लाइब्रेरी एडवाइजरी कमिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट कमिटी, वेदर द लाइब्रेरियन हैज अटेंडेड और पार्टिसिपेटेड इन ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज, ऑल दिस थिंग्स आर गिवेन. दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अवेलेबल ऑन द NAC वेबसाइट. If you want, किसी को अगर नहीं मिल रहा है, I will even share it on the WhatsApp group later on. Ratio of library books is given. Extent of the use of services it is given. और जो last page है, यहाँ पे उन्होंने दिया है the best practices for college libraries. यहाँ पे उन्होंने फिर points दिए हैं, computerization of library with standard digital software. Inclusion of sufficient information in college prospectus regarding the library, compiling student teacher attendance statistics, newspaper clippings, career employment services, international internet facilities, information literacy, etc. etc. is given over there. Please go through this document. It will be a guideline for all of us. ये बहुत जरूरी है हमें. It is very good that we all keep on discussing about how to make our library the best library, therefore to perform well. Lekin ye agar aapne guideline dekha, since it is given by NAC and the NAC peer team, they definitely they do follow all these things. So please go through this. Depending on this, you can frame your own library audit questionnaire. This part will be covered by Dattatreya sir, but depending on this, you can frame your library audit questionnaire, and it will be very good. Not only forget about library audit. अगर आप yearly एक आपके services कैसे हैं, whether the library is able to cater to the students and teachers of the college, इतना भी पता करने के लिए अगर आप एक general survey ले लेते हैं, don't go for any offline survey. आपके आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए और एक एक पेज का या फिर ज्यादा से ज्यादा दो पेज के आप कुछ क्वेश्चंस डालिए उसमें, एंड यू कैन कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, यू कैन कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर मैनेजमेंट मेंबर्स, फ्रॉम योर प्रिंसिपल, एंड इन दैट वे यू कैन गिव इफेक्टिव सर्विस. देयर इज वन आर्टिकल ऑल्सो दैट आई फाउंड on the net. It is published in May 2019. Yeah, this may be, this is. Hello, somebody has kept the mic open. Who is there? Somebody kept their mic unmuted. This article is written by Priyanki Vas, Sandeep Pathak and Mahendra Patel. I just came across this article. In this article also, by referring to
the earlier document which I shared with you all, affiliated college guidelines जो है NAC के जिपे उसको basis पे रख के ही इन्होंने ये पूरा article लिखा हुआ है and in that they have again mentioned the same thing कि library infrastructure कैसे होना चाहिए and what all are the budget related details, what are the best practices, librarian library users, everything is given. So please go through all this thing. आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ कुछ हद तक आपके डाउट्स एंड वी विल डेफिनेटली हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड आई नाउ रिक्वेस्ट दत्तात्रेय कालबांडे सर टू प्लीज कैरी ऑन विद द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. थैंक यू. हेलो, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. धर्मोपरी सर, आई वुड लाइक टू शेयर. Dr. Shastri sir and Sen Gupta madam, excellent description about this criteria, all the criteria. You never turn anything to be discussed here. I thought that just ke hame aisa lag raha hai ki jaise NAC office se koi representative aaya hai. Pura aapne bahut hi acche tarah se discussion kiya. Aapka naam bhi Sen Gupta hai, hame aisa hi lagta hai ki udhar se hi koi to bhi aaya hai discuss karne ke liye NAC office se. Thank you sir, thank you. Aapne pura uska acha clear kar diya. सर, हाँ, यस यस. हेलो, हाँ बोला सर. हेलो, हाँ जेव्हा ग्रंथपाल गोंधळून जातो, बरोबर आहे. त्याचं कारण असं की त्यांचा एक मॉड्यूल चालू असतो, दोन मॉड्यूल चालू असते आणि असं सहज सहज प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये सुद्धा असं ऐकलं मी बऱ्याच वेबिनार वर की तुमचे सगळे मॉड्यूल्स वापरलेत असेल म्हणजे तुमचे 100% ऑटोमेशन आहे. हो सर, ऍक्च्युअली असं नाहीये. ऑटोमेशनचा स्कोप फार मोठा आहे. तुमच्याकडे RFID आहे का, इतर गोष्टी आहेत का, डिजिटल लायब्ररी आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये म्हणजे डिजिटल लायब्ररीचा स्कोप आपण जर धरला किंवा ऑटोमेशनचा फुल्ली ऑटोमेशनचा जर स्कोप धरला तर केवळ सगळे मॉड्यूल वापरणं म्हणजे फुल्ली ऑटोमेशन नाही असं मला वाटतंय. व्हॉट यू से? हा सर, ते पण बरोबर आहे. मग तिथे त्यांनी फक्त दोनच प्रश्न विचारलेले, फुल्ली और पार्शली. तर त्या केस मध्ये आपण पार्शली असं आपण सिलेक्ट करू शकतो. पार्शली ऑटोमेटेड म्हणून सिलेक्ट करायला हरकत नाहीये, कारण तसं बघायला गेलं असं तर फुल्ली ऑटोमेटेड लायब्ररी अशी कुठलीच नाहीये ऍक्च्युली. हा एक्झॅक्टली, सगळ्यांचे प्रश्न असेच असतील की पार्शल ऑटोमेटिक ऑटोमेशन. 95% केसेस मध्ये सगळ्यांनी पार्शलीच लिहायला पाहिजे, कारण माझ्या मते फुल्ली ऑटोमेटेड म्हणजे तुमचे सगळ्या सर्व्हिसेस, ऑल टोटल सर्व्हिसेस सपोज आर ऑटोमेटेड, देन ओनली यू कॅन शो से दॅट इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड. येस येस. दत्तात्रेयला सांगायचं का, दत्तात्रेयला कंटिन्यू करायला सांगूया आपण. हॅलो, हा दत्ता. यस, मी आय ऑडिबल. हा येस सर. येस, कॅन आय स्टार्ट? हा येस येस. ओके, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग टू वन अँड ऑल. होस्ट ऑफ द टुडेज पॅनल डिस्कस Dr. Dharmapurikar sir, just you have enjoyed talk by Dr. Shantashri madam and Dr. Sachin Shastri sir and all my dear participants. I congratulate to all group members for this informative session and we can say as a formal discussion. I am very much thankful to all of you for giving me an opportunity to share my views in front of you. First, I would like to say remove fear regarding corona and NAC from your mindset. Don't worry, be sincere and love with your work, love with your duty. I am also belonging from the village, so I know very well remote area people have very much problems regarding the infrastructure, connectivity, availability of the services, and even you can say our customer, that is the students and management support. But don't worry, you can't change the environment, culture of students mindset as well as management mindset in a day. Always be geographical and social environment. In that situation, try to be good, be prove yourself, and we compare to the teaching
alternative. Try and try. Use your efforts, don't lose your confidence and go ahead. One thing you will be always remember, NAC is only your accreditation and grading agency. So don't worry, they don't have rights to punish you. Or if your college will get low grade, so only you are not responsible. Agar aapke college ko C grade aata hai, to aap usme responsible nahi hai. Halanki pura college, pura management sab responsible hai. Lekin मैं ये कहूंगा अगर आपके कॉलेज को सी भी ग्रेड आता है तो सी जब एग्जिट मीटिंग होती है उस एग्जिट मीटिंग में जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने कहना चाहिए कि योर लाइब्रेरी इज द ओनली गुड सो देन ओनली वी कैन प्रूव टू आवर सेल्फ इन दैट सिचुएशन इन दैट एनवायरमेंट एंड वी कैन गिव मोर एंड मोर टू द आवर इंस्टीट्यूशन विद पॉजिटिव एटीट्यूड. I know as an employee we have very much restrictions. So we will concentrate on services, our activities and regarding documentation. See, EGPA documentation and system is in a systematic manner. So some committee will neglect your other weak points. So, but this is maybe not confirmed. In documentation, most important part I feel that is the library advisory committee. देखिए हमारे हर लाइब्रेरी के जो भी डिसीजंस है वो हम लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी में लेते हैं. अब बहुत सारे लाइब्रेरीज में अगर हम जाएंगे तो मीटिंग्स होते नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि एवरी ईयर एवरी एकेडमिक ईयर एटलीस्ट 3 to 4 मीटिंग्स शुड बी देयर. ये ना मीटिंग बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ एक नोटिस निकालते हैं और एक नोटिस के ऊपर तो मीटिंग लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी की जो भी नोटिस निकाली जाती है उसमें एजेंडा भी होना चाहिए और वो नोटिस पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका एज अ काउंटर साइन भी होना चाहिए विद डेट व्हेन वी हैव टू दे हैव टू साइन दिस नोटिस. सेकंड थिंग इज इन दैट फाइल और इन दैट मीटिंग यू शुड हैव प्रिपेयर मीटिंग्स ऑफ द मिनट्स. दिस इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी. एंड सेकंड थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू मेंशन हियर दैट इज दी टू फोटोज ऑफ ईच मीटिंग विच योर टैगिंग. सी नाउ अडेज ईच एंड एवरी एक्टिविटी वट एवर यू हैव टू डन इन योर लाइब्रेरी और इन योर कॉलेज सो नेक्स्ट विल बी आस्क योर जियो टैगिंग दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन फोटोग्राफ्स. दैट मीन्स योर लोकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी आज तक लोग फेक फोटोज देते थे तो वो फेक फोटोज अवॉइड करने के लिए नेक ने आपको हर एक्टिविटीज का जो भी आप करेंगे उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन फोटो उस पर मांगा. फोटो की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों हमने एक्चुअल मीटिंग ली है, हम ज्यादा से ज्यादा उनको प्रूव करें कि हम वी आर वेरी मच सिंसियर रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन. सो इन योर लाइब्रेरी एडवाइजरी कमिटी फाइल यू शुड नाउ प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड विद फोटोज एज अ प्रूफ. सेकंड थिंग आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट हियर लाइब्रेरी प्रोफाइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सी एक बार क्या होता है कि जब कमिटी हमारे लाइब्रेरी में आती है तो उन्हें टाइम नहीं होता है, या फिर हमारा लाइब्रेरी का शेड्यूल लास्ट में रखा जाता है या पहले रखा जाता है या फिर डे के लास्ट में रखा जाता है, समटाइम ऐसा हो सकता है. तो उस टाइम हमें हमारी लाइब्रेरी का ब्रोचर या प्रोफाइल एकदम अपडेट होनी चाहिए. जो भी अगर उन्होंने हम उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाए तो वो लाइब्रेरी प्रोफाइल के ऊपर से हम उन्हें से पता चलना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज हम देते हैं, कितना कलेक्शन है, ई रिसोर्सेज क्या है और हमारी लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ क्या है. सेकंड थिंग अपडेटेड एक्सेशन रजिस्टर. अभी मैडम ने बताया डॉक्यूमेंटेशन की हमें लास्ट पेज उनको स्कैन करके भेजना है, लेकिन याद रखिए आपके माइंड में आ सकता है कि हम वो लास्ट पेज कौन सा भेजे. जो एज ऑन डेट सबमिशन ऑफ द एसेशन यू कैन सेंड दैट पेज, बट एक्सेशन रजिस्टर शुड बी अपडेटेड डे ऑन डे. ये रेगुलर प्रैक्टिस है, हर रोज आपका एक्सेशन रजिस्टर अपडेट होता जाएगा. तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू एंड कमिटी मेंबर्स आल्सो नो दैट इशू. सेकंड थिंग इज योर रजिस्टर जर्नल रजिस्टर शुड बी अपडेटेड. आपका जर्नल जितने भी जर्नल्स आते हैं फिजिकल जर्नल्स जितने भी आते हैं उसका भी आपके पास एक फाइल होना चाहिए या फिर उसका रजिस्टर होना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एमओयू. देखिए एमओयू का क्वेश्चन एक अलग क्राइटेरिया में पूछा गया है, तो हम लाइब्रेरीज की भी एमओयू कर सकते हैं. अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये है कि एमओयू अगर है तो वो फंक्शनल होनी चाहिए. तो व्हाट यू मीन बाय फंक्शनल एमओयू, सो आई कैन से योर जो एक्रेडिशन का आपका पीरियड है
assessment period may at least one activity should be arranged under that MOU. So that MOU should be considered as an functional MOU. So don't worry about that. अगर आपके बाजू में कोई बड़ा कॉलेज है तो उनके लाइब्रेरी से आप MOU कीजिए और वो MOU के अंदर कोई भी एक फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस रूम या फिर कोई प्रोग्राम हो वो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वो MOU जो है आपकी फंक्शनल MOU बोल के यहाँ पे काउंट की जाएगी. सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू SC ST ब्रिज टैंक रिकॉर्ड. ये 5 साल का रिकॉर्ड आपको बहुत ही अच्छी तरह से रखना है क्योंकि हर बार जो भी कमिटीज आती है कमिटीज आपको पूछती है कैन यू प्रोवाइड SC ST भुगतान स्कीम्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट. सो टेल ऑल रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द व्हिच ईयर यू हैव टू अप्लाइड हाउ मेनी ग्रांट्स यू हैव टू रिसीव दैट ग्रांट्स कॉपी. सेकंड थिंग इज व्हिच टाइप ऑफ बुक्स यू हैव परचेस बिल्स ऑफ दैट परचेस एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी इन अ प्रॉपर वे. ईयर वाइज लास्ट 5 years डेटा शुड बी देयर इन अ प्रॉपर मैनर. सेकंड थिंग इज आई वॉन्ट टू टेल यू your online journals file. If you are subscribing something like a Yenlist or whatever it may be or some other journals as are recommended by your subject teachers or the principals or the management. So that time you have to maintain one up to date 5 years file. That should be which type of journals you have subscribed. So that file should be also your ready. Second thing, your library software file. देखिए ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है क्या, LMS सॉफ्टवेयर है क्या और उसमें आप कौन सा पार्शियली है या क्या है. तो उस टाइम आपको जो भी आपका इनवॉइस है सॉफ्टवेयर का इनवॉइस उसका मैनुअल है जो भी कुछ है वो चीजें उसमें आपने अच्छी तरह से रखनी चाहिए ताकि आपने एक बार अपलोड किया अपलोड करने के बाद भी वो कमेटी यहाँ पे आके वेरीफाई करती है. तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ. As I have discussed with regional coordinator, उन्होंने थर्ड पार्टी को ये जो भी वेरिफिकेशन है करने को दिया है. अब वो सामने वाला बंदा जो आपका वेरिफिकेशन करता है मे बी ही शुड बिलोंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस और मे बी ही शुड बिलोंग फ्रॉम द साइंस और अदर फील्ड. सो यू डोंट नो वट यू शुड हैव टू डन एंड आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं या फिर आपके जो भी काम है उसके बारे में वो अवेयर नहीं है. तो जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं जब भी कमिटी यहाँ पे आपके कॉलेज में आएगी उसके पहले वो कुछ क्वेश्चन जो पीयर रिव्यू कमिटी जो है उनको देते हैं. तो वो कमिटी क्या करती है उन्होंने जो क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं रिगार्डिंग द DBV दे शुड बी आस्क ऑन योर विजिट. सेकेंड थिंग इज ICT इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके लाइब्रेरी में जितने भी कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स वो या फिर आपका ICT के रिलेटेड जितने भी है अदर सॉफ्टवेयर हो हैंडीकैप के सॉफ्टवेयर हो जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक फाइल आपका एकदम अप टू डेट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर का. क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम देखते हैं और जी वन क्वेश्चन इज देयर हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर अवेलेबल फॉर योर इंस्टीट्यूट और योर कॉलेज. So that time you have to mention only those computers are available for users only. Those computers are using in office, in your library as a librarian or for the issue return purpose. That computers are not count in that criteria. So be aware when you have to sending your data to the office or the NAC committee, that time avoid which computers you are using for your administration purpose. That computer should be not include in that criteria. Datta. Second thing is visitor. Yes, sir. तो video on करता है तो कब बघणार तुझा? मी जर video on केला तर माझ्या आवाजाला खूप problem येईल सर. ठीक आहे चालेल हरकत नाही. ठीक आहे ओके नो प्रॉब्लेम. ओके थैंक यू सर. सेकंड थिंग इज विजिटर रजिस्टर और रिकॉर्ड. दोज विजिटर्स आर कमिंग इन योर लाइब्रेरी. बहुत सारे लाइब्रेरीज में अभी मैडम ने भी बताया कि यूजर ट्रैकिंग सिस्टम यूज की गई है या फिर कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में भी आपको दिया है कि इन एंड आउट करने का. उसके बजाय आप अगर मैन्युअली करते हैं तो यू हैव टू देखिए अभी यहाँ पे उन्होंने रेशियो पूछा है टीचर और स्टूडेंट्स का. आपको भी पता है मुझे भी पता है कि टीचर्स हमारे लाइब्रेरी में आते नहीं है आएंगे भी तो वो सिग्नेचर करते नहीं है. उस टाइम यू हैव टू आपको उनको हैबिट डालनी पड़ेगी साइन करने के लिए. और सेकंड थिंग यू हैव इफ पॉसिबल आई एम टेलिंग टू आउट ऑफ वे इफ पॉसिबल अगर आपके कॉलेज में आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो पहले जाके लाइब्रेरी में सिग्नेचर करे या बुक वो या तो बुक इशू करे या रिटर्न करे तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा बट दे हैव टू साइन ऑन योर विजिटर रजिस्टर्स. बिकॉज सी
मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हॉट है, अपन बच्चे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज तो ऐसा एकदम हरा भरा दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चे लाइब्रेरी में नहीं आते, आते हैं तो बस 8,000 की स्ट्रेंथ है तो बस 200 300 400 बच्चे आपके लाइब्रेरी में आते हैं। दैट टाइम व्हाट हैपेंड, इफ यू कैन कंपेयर दैट डेटा विद योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टाफ, दैट टाइम यू हैव टू गेट वेरी लेस परसेंटेज और वेरी गेट लेस रिस्पॉन्स इन दैट मैनर। सो यू हैव टू ट्राई टू विजिटर्स और योर स्टूडेंट्स, दे विल बी साइन रेगुलरली ऑन देयर विजिटर्स रजिस्टर्स, और इफ यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर सो दे विल बी स्कैन देयर बारकोड और आईडी कार्ड डेली on that with the barcode scanner. Second thing is issue return record. And the issue return, most of the people are using source software. So usme kya hota hai ki agar aap daily ka daily apne report generate kiya, don't print, you have to keep it in your PDF in your computer. If you want to print then print, but agar aapne daily ka report nahi likha to bahut baar ye hota hai ki agar book aaj aapne issue kiya hai lekin kal अगर वो स्टूडेंट्स ने रिटर्न किया है तो दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इश्यू रिपोर्ट, वो रिपोर्ट में से रिमूव हो जाता है कि जहां आपने इश्यू किया है। ऐसे भी प्रॉब्लम बहुत बार ये मे बी सॉफ्टवेयर का लैकुना हो सकता है। सो आई विल बी रिकमेंड टू यू काइंडली जनरेट इश्यू रिटर्न रिपोर्ट डेली इफ यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर एंड कीप इट इन पीडीएफ फाइल और प्रिंट इट और मेंटेन द फाइल रेगुलरली। सेकेंड थिंग इज ऑनलाइन रिसोर्स यूसेज स्टैटिस्टिक्स। देखिए उन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन आप क्या क्या वो तो पूछा है, अगर आप रिमोट एक्सेस का जो भी फैसिलिटी अगर आपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए वो भी दिए, अगर आपके पास एनलिस्ट है तो आप है दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में अगर हम रिमोट एरिया में देखेंगे तो स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, बट आई रिकमेंड टू यू you will be to try more and more, increase more. अभी बहुत सारे बच्चे के पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी लॉग इन कर सकते हैं। सो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू देम लॉग इन एटलीस्ट वंस इन अ डे। वैसा ही अगर आपके पास कुछ ग्रुप है व्हाट्सएप तो उनको बताइए कि एटलीस्ट आप यू हैव टू डाउनलोड एज सिंगल फाइल, यू हैव टू क्लिक ऑन अ सिंगल जर्नल और यू हैव टू क्लिक ऑन अ सिंगल आर्टिकल इन योर लिस्ट एज अ लॉग इन। सो दैट टाइम यू शुड बी गेट एंड मोर यूजेस स्टैटिस्टिक्स। एंड यू नो बहुत सारे लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे तो हर कंप्यूटर में हर सिस्टम पे जहाँ बच्चे बैठते हैं बच्चों के लिए जो सिस्टम दिया है या भी कंप्यूटर लैब में हो या लाइब्रेरी में हो तो वहाँ पे उन्होंने होम पेज पे ही वो जो इसका है यूनिस्ट का पेज सेव करके रखा है ताकि यूजर्स आने के बाद ऑटोमेटिकली ही कैन लॉग इन और फर्स्ट ही विल बी विजिट दैट साइट। सेकेंड थिंग इज बुक विड्रॉ फाइल, बुक विड्रॉ जो भी बुक्स आप विड्रॉ करते हैं, अभी देखिए बहुत सारे हम कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक इज वेरी मच इन अवेलेबल इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी बिकॉज एवरी 3 years यूनिवर्सिटी शुड बी चेंज सिलेबस, इवन इफ यू कैन से लाइक एन इनकम टैक्स सब्जेक्ट दैट शुड बी चेंज इन एवरी ईयर। सो दैट टाइम मोर क्या होता है कि अगर आप बड़ी सिटीज का देखेंगे तो वी हैव very much problems regarding the place, how to procure our books. That time, we should be withdraw every year when books are not related to the syllabus or out of syllabus. But, agar hum dekhenge ki hamara accession register bata raha hai ki aapke paas 20,000 books hai. Lekin actual agar dekha jayega report mein ya phir aapke library mein jo collection dikhta hai to usme aapko 15,000 hi dikhti hai kyunki aapne 5,000 books withdraw kiye hai. That time you have to maintain that file with all procedures. I don't want to discuss that procedure of the book withdrawal, but all people you are know what is the procedure and how to maintain that record. So you should have to maintain that record also. Second thing is remote access file. देखिए रिमोट एक्सेस फाइल में जो भी है उसका डेटा जो भी है वो डेटा आपको DBMS में पूछा ही जाएगा। रिमोट एक्सेस अगर आप देते हैं तो रिमोट एक्सेस का आपको कहाँ से लिया है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया है, या फिर आपने रिमोट एक्सेस के लिए जो भी स्टैटिस्टिक्स है यूजर्स क्या क्या यूज करते हैं, कौन से डेटाबेसेस आप उसमें से देते हैं, ये हर चीज आपको पूछेंगे रिमोट एक्सेस के लिए। तो आपको रिमोट एक्सेस की फाइल भी आपकी 5 years की अप टू डेट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग लाइब्रेरी मेंबरशिप फाइल, दैट इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और शोध गंगा और एनलिस्ट, अपने जो भी मेंबरशिप ली है
उसका बहुत सारे लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की मेंबरशिप बहुत सारे लाइब्रेरीज ने मुंबई रीजन में ली हुई है, या फिर मेरे ख्याल से TISSS भी वहाँ पे मेंबरशिप देती है कुछ बुक्स, वो कॉलेज लाइब्रेरीज को भी एज ए मेंबरशिप देते हैं. सो दैट टाइम दैट फाइल शुड बी ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन रेगुलरली विच बुक्स यू हैव टू टेक फ्रॉम दैट लाइक ए TISS in your for your users as an interlibrary loan system or whatever it may be. So that should be recorded, you have to maintain in proper way. Second thing is most of the libraries have ISO. Agar aapke library ko ISO hai, mere khayal se abhi recently Dr. Kiran Dhandore, he has been faced his committee as an ISO committee and he will be get ISO certification. So that file also if you have EPN, अगर आपके पास ISO है तो आप उसके फाइल भी अच्छी तरह से मेंटेन हमने वहां पे करनी चाहिए. सेकंड थिंग है ऑडिट स्टेटमेंट्स फाइल. ये ऑडिट स्टेटमेंट्स फाइल जो है वो हमारे लाइब्रेरी में ये कॉपी आपके कॉलेज के ऑडिट की होनी चाहिए. अगर हम अभी बताएंगे कि कॉलेज के ऑडिट की फाइल हमारे लाइब्रेरी में ऑफिस वाले नहीं देते हैं, लेटर नहीं देंगे, उनका पॉलिसी है कि नहीं देंगे, बट अगर हम अगर ये प्रोसेस देखी जाए, आप जब भी आपका SSR अपलोड किया जाता है उसी टाइम आपको जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया हो या फिर सैलरी पे खर्चा किया हो या फिर जो भी ICT पे खर्चा किया हो, ये सब खर्चा अभी उनको या फिर कैंपस मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा किया गया हो, वो खर्चा जो भी कुछ है उनके लिए उन्हें अभी कॉलेज को आपका ऑडिट स्टेटमेंट देना ही है. इफ कॉलेज ऑफिस हैज बीन टू यू we want don't want to hand over your audit copy, so after submitting SSR you will be to find that in your SSR where your audit statement is available, download the statement and keep it in your file. If committee has been asked to you where show to us your audit statement file or aapne jo bhi audit mein dikhaya hai ki aapke library pe kitna kharcha kiya hai, so immediately you can show your audit statement. बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास अगर ऑडिट की फाइल नहीं रही तो हमें उसी टाइम कमेटी को बोलना पड़ेगा, या तो ऑफिस में अवेलेबल है या फिर अपलोड की गई है. सो यू शुड हैव टू कीप दैट फाइल आल्सो इन योर हैंड. सेकंड थिंग इज जनरल मेंबर फाइल. अभी देखिए जनरल मेंबर फाइल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अदर देन स्टूडेंट्स और अदर देन टीचर, दोस मेंबर्स आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ योर लाइब्रेरी, लाइक कम्युनिटी पीपल्स और जो भी आपके आजू बाजू के जो पीपल्स है, जो भी लोग है, वो अगर आपकी लाइब्रेरी यूज करते हैं और करनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने उसके लिए भी मार्क्स रखे हैं. आप अपने सोसाइटी को कैसा इन्वॉल्व किया है अपने इंस्टीट्यूट में, सो यू हैव टू मेंटेन दैट फाइल आल्सो. एंड देखिए हर लाइब्रेरी में जो भी जनरल मेंबर्स हैं वो रहते हैं, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया जाता है. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड आप अच्छी तरह से अगर मेंटेन करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव जो भी रिमार्क है वो कमिटी के ऊपर हमारा हो जाएगा. और उसमें भी हमने अगर स्टैटिस्टिक्स भी उसका मेंटेन करते हैं कि जनरल मेंबर हाउ मेनी बुक्स दे हैव इश्यूड इन दिस एकेडमिक ईयर और हाउ मेनी टाइम दे हैव विजिटेड, सो इट शुड बी वेरी गुड. सेकंड थिंग एलुमनी मेंबर्स. देखिए एलुमनी मेंबर्स जो भी है अभी हमारे NAC प्रोसेस में पूरे ओवरऑल सिस्टम अगर देखा जाए तो एलुमनी का बहुत ही बड़ा योगदान है. उन्होंने एलुमनी के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस दिया है. आपके एलुमनी अगर हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे तो उन्होंने लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस में एलुमनी के बारे में पूछा है कि अगर आपके एलुमनी क्या करते हैं, अभी हायर एजुकेशन में गए हैं क्या, कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ कहाँ उनको प्लेसमेंट्स मिले हैं. सेकंड थिंग वो आपके कौन से प्रोग्राम्स वो आपके कॉलेज में या लेते हैं, ये सारी चीजें अगर हम लाइब्रेरी का भी एलुमनी मेंबर्स भी बनाएंगे तो भी बेटर रहेगा. यू कैन डू दैट थिंग आल्सो, सो वी कैन इन्वॉल्व एलुमनी. इवन आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, डॉक्टर संदीप भावसर हैज बीन ही इज गिविंग सच टाइप ऑफ सर्विसेज टू द देयर एलुमनी, क्योंकि उनके एलुमनी जो है वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम करते हुए भी उन्होंने उनको अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्ट उन्होंने वहां पे रखा है. सेकंड थिंग इज सेमिनार कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज फाइल. ये भी हम हर साल में अभी वेबिनार लिया है उसका भी एक फाइल बना, वो फाइल हर 5 साल का फाइल. अभी क्या होता है कि जब भी हम नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा फाइल होता है, तो 5 साल का फाइल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन
जो कमिटीज को शो करना है एक उस सेपरेट, मैं तो कहूंगा कि उस सेमिनार का कॉन्फ्रेंस का फाइल रखे, लेकिन 5 साल में जितने भी आपके हुए है उसका मेन फाइल जो है, उसका ब्रोचर है या फिर उसका जो भी थैंक्स गिविंग लेटर है या फिर उनको इनविटेशन लेटर है, जो भी आपने मेल सेंड किए है उसका प्रूफ है, एज अ फीडबैक एनालिसिस है, जो भी कुछ है, एक 8-10 डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें भी मेंटेन करेंगे 5 ईयर्स में, अगर 5 साल का 5 मीटिंग्स सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस है तो वो भी आप करते हैं विथ फोटोग्राफ्स एंड ऑल दिस थिंग. सेकंड थिंग इज ईच एंड एवरी लाइब्रेरी हैज बीन गिवन लाइब्रेरी अवार्ड एज अ बेस्ट रीडर अवार्ड. हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा जो भी फंक्शन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या फिर दूसरे को जो भी फंक्शन है उसमें वो अवार्ड देते हैं, लेकिन जो कमिटी आती है, मैं एक कॉलेज में अभी एज अ विजिट के लिए गया था कि नैक के लिए क्या क्या करना है, तो वो कमिटी ने उन्हों ऐसा क्वेश्चन किया उनको कि जो आपने अवार्ड दिया है उसके हमें जियो टैग फोटोज बताए. जो स्टूडेंट्स को आपने अवार्ड दिया है कि एक्चुअली उन्होंने लाइब्रेरी यूज की है क्या नहीं की है, उनका रिकॉर्ड हमें दिखाई कि व्हाई यू हैव टू कलेक्टेड दीज स्टूडेंट्स और फॉर दिस अवार्ड, व्हाट यू हैव प्रूफ, आपके पास प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ भी हमें हमारे पास मेंटेन होने चाहिए कि 5 साल में वो स्टूडेंट्स कितने बार आया है, क्या बुक किया है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, व्हाटएवर इट मे बी, विद रिमार्क्स ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ मेंबर्स आल्सो. सेकंड थिंग इज लाइब्रेरियन पर्सनल फाइल इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस, ये भी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो भी पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस के बारे में मैं तो आपको ये बताऊंगा कि अभी जो भी पब्लिकेशंस आपके है वो पब्लिकेशंस counted only those research papers are published in UGC listed journals. अगर UGC listed journals में आपके paper है तो ही आपका वो count किया जाएगा. जो template पूछा गया है, template में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि paper upload कर देते हैं, लेकिन आपको paper upload करना नहीं है. You have to mention the link of the journal where available in your UGC care list. आपको UGC care list में जो journal available है उसका number या फिर वो कौन से नंबर पे या फिर कौन से उसकी लिंक्स वहां पे आपको प्रोवाइड करने हैं इंस्टेड ऑफ योर हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर. सेकंड थिंग इज यू हैव टू मेंटेन एचओडी रिकमेंडेड बुक्स फाइल और टीचर्स रिकमेंडेड बुक फाइल. वो भी फाइल बहुत बार क्या होता है कि हम टीचर्स बोल देते हैं और हम परचेस कर देते हैं, या फिर बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट बुक ही हमारे सामने आ जाते हैं. यू हैव टू आप टेक्निकल प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट कीजिए और इश्यू रिटर्न कीजिए. ये भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन वी हैव टू ट्राई कि हम अगर ठीक है वैसे भी आते हैं तो हम एटलीस्ट टीचर से लिखवा के ले कि भाई ये बुक हमें अभी लाइब्रेरी में लेना है और ये बुक अभी लाइब्रेरी में चाहिए. बिकॉज एट द टाइम ऑफ सी द कमिटी डोंट आस्क टू विच मेथड यू हैव टू अडॉप्ट फॉर परचेसिंग ऑफ द बुक. दे वॉन्ट शो रिकमेंडेशन ऑफ द HOD, show recommendation of the student, show me recommendation of the general member. So that time we have to at least some records with our handy. Second thing is quotation file. Abhi kya hota hai ki bahut sare colleges mein ek unka ek method hota hai ki quotation. Even jo bhi members aate hai. Abhi main ek bahut bada college hai Aurangabad ka, wahan pe hum visit ke liye gaye the NAC ke sambandh mein. उन्होंने हमें बताया कि कमिटी ने पहले ही आते ही लाइब्रेरी में पूछा कि आप मुझे कोटेशन फाइल बताइए. और बहुत सारे कॉलेजेस में कोटेशन फाइल, हम कोटेशन मंगाते ही नहीं है, क्योंकि कोटेशन अगर मंगाना है तो कोटेशन हम किस चीज का मंगाएंगे. अगर एक चीज बहुत सारे एक से ज्यादा लोग अगर वहां पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पब्लिशर्स अलग है, वो बुक्स का कंटेंट अलग है, हर चीज अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि दिस पीपल्स डोंट नो, जो भी आते हैं वो प्रोफेसर लोग आते हैं, उनको और लाइब्रेरी का ज्यादा से ज्यादा कोई संबंध नहीं रहता. लेकिन ये आते आने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रबल कैसा वो कर सकते हैं वो बारे में सोचते हैं. तो इफ यू हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम और इफ यू विल बी गेट सम कोटेशंस लाइक जर्नल सब्सक्रिप्शन, जर्नल्स के भी कोटेशन आते हैं, तो वो कोटेशन भी आप वहाँ पे फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फाइल विथ जियो टैग फोटोज एंड रिपोर्ट्स. जो भी ओरिएंटेशन हम हर साल फर्स्ट, जैसे ही साल शुरू होता है हमारा एजुकेशन ईयर शुरू होता है, तो हम फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं. बट
जो भी प्रोग्राम अभी आप लेंगे उसका रिपोर्ट और जियो टैग फोटो आपके पास होने ही चाहिए वो रिपोर्ट। विदाउट रिपोर्ट योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम और योर इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम और योर एनी प्रोग्राम सेमिनार और योर लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी मीटिंग दे कांट काउंट, वो काउंट ही नहीं करेंगे, उसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसलिए जो भी एक्टिविटीज हमको करना है वो एक्टिविटीज का रिपोर्ट, रिपोर्ट शुड बी इन वन पैरा टू पैरा और वन पेज, दैट्स ऑल। हु इज कमिंग, हु इज डिलीवरिंग वोट ऑफ थैंक्स एंड हु इज डूइंग एंकरिंग एंड प्रिंसिपल व्हाट कैन से एंड व्हाट एवर इट मे बी, उसका एक रिपोर्ट बनाए कि कौन किसने क्या किया है, कैसा हुआ है, कितने बजे प्रोग्राम शुरू हुआ है, प्रिंसिपल ने क्या रिकमेंड किया, स्टूडेंट्स ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो तो बस उसका एक वहां पे एक दो तीन पैराग्राफ में आप रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके नीचे जियोटैग फोटोग्राफ टू या थ्री फोटोग्राफ शुड बी देयर। सेकंड थिंग इज पीपीटी अबाउट लाइब्रेरी, योर अबाउट व्हाट यू कैन से अबाउट प्रोफाइल और इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो भी आप देते हैं उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके पास मेंटेन होने चाहिए। और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगा अगली की सीडी डीवीडी रिकॉर्ड ऑडियो विजुअल मटेरियल भी हमें वहां पे मेंटेन करना है। अगला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है नैक के हिसाब से, नैक ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस अगर दिया है तो वो है आपकी वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट। अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पे ही अपने लाइब्रेरी की वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे सकते हो तो मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें आप दे सकते हैं। और अगर कॉलेज नहीं देता है स्पेस ज्यादा, उनके पास स्पेस नहीं है, तो आप भी जो भी गूगल साइट्स है या फिर wix.com है, बहुत सारे ऐसे फ्रीली अवेलेबल साइट्स है, उसमें भी आप डेवलप कर सकते हैं और उसमें डेवलप करके आप अपने जो भी सर्विसेस है, कलेक्शंस है या फिर 4.2 क्राइटेरिया जो भी है उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो आई विल बी टू रिकमेंड टू यू, यू हैव टू स्कैन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पुट इट ऑन योर लाइब्रेरी वेबसाइट रिगार्डिंग द 4.2 क्राइटेरिया, मे बी MOUs, मे बी योर ऑडियो स्टेटमेंट्स और वॉट एवर, मे बी योर फुटफॉल्स और मे बी योर इशू रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, ऑल दीज थिंग्स यू शुड हैव मेंशन और अपलोड ऑन योर लाइब्रेरी वेबसाइट, इवन योर लाइब्रेरी कमिटी मीटिंग्स ऑल्सो। आई विल बी रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, यू हैव टू स्कैन ऑल लाइब्रेरी कमिटी मीटिंग मिनट्स एंड अपलोड ऑन योर लाइब्रेरी वेबसाइट और इफ कॉलेज विल बी यू परमिशन टू अपलोड ऑन कॉलेज वेबसाइट ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर लाइब्रेरी फीडबैक ऑनलाइन, आपका लाइब्रेरी का जो भी फीडबैक आप लेते हो अभी आप ऑनलाइन ही देखिए, क्योंकि अभी जो रिवाइज मैनुअल आया है उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन फीडबैक, लाइब्रेरी का फीडबैक तो उसने पूछा नहीं है, बट एज अ सेपर साइड इवन लाइब्रेरी का फीडबैक हमने SSS में उन्होंने पूछा है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिमार्क रिगार्डिंग द स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में भी हम पूछते हैं, बट इफ यू हैव वांट टू मेंटेन सेपरेटली देन यू हैव टू मेंटेन इट इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सेकेंड थिंग मैं और जो भी डॉक्यूमेंट हमें देने हैं उसके लिए तो मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वो है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यू हैव टू फर्स्ट रीड SOP, क्योंकि SOP में हर चीज उन्होंने ऐसी बताई है कि जो चीज उनको चाहिए वो क्वेश्चंस के रिलेटेड वो हर उन्होंने वहां पे मेंशन किए और वो क्वेश्चंस के रिलेटेड उन्हें कौन सी चीज नहीं चाहिए वो भी बताया गया है। सपोज बहुत बार क्या होता है कि हम एक 4 hours, 5 hours, 6 hours का कोई भी कोर्स लेते हैं और बता दें कि ये हमारा सर्टिफिकेट कोर्स, बट उन्होंने क्लियरली उन्हें वहां पे मेंशन किया है योर सर्टिफिकेट कोर्स शुड बी मोर देन 30 hours, 30 hours एटलीस्ट टीचिंग आवर्स उसमें होने चाहिए तो ही वो काउंट हो जाएगा सर्टिफिकेट। अगर हम देखेंगे कि ई बुक, अगर आपने अपने लाइब्रेरी के ई बुक स्कैन करके आपके वेबसाइट में डाल दिए सो दैट बुक शुड बी नॉट काउंटेड एज एन ई बुक, सो डोंट डू दैट वर्कआउट। अगर आपके पास जो भी बुक्स है उसमें से अपने कुछ प्रेयर बुक्स हो या कुछ भी बुक्स हो अगर आपने स्कैन करके आपके वेबसाइट पे डाल दिए तो वो भी काउंट नहीं हो जाएगी, क्लियर कट उन्होंने SOP में दिया है। अभी बहुत सारे टीचर्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो भी स्कैन करने हैं तो स्कैन करने के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर, बिकॉज इफ यू आर ऑर्गेनाइज एनी कॉन्फ्रेंस दैट टाइम यू हैव टू हैव मोर देन 5,500 पेजेस इज देयर, लाइक फीडबैक फॉर्म, योर ब्रोचर्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म व्हाट एवर इट मे, बट एटलीस्ट यू हैव टू मेंटेन 6 to 7 डॉक्यूमेंट्स, वन इज ब्रोचर और नोटिस विथ स्टाफ सिग्नेचर एंड स्टूडेंट सिग्नेचर।
Second thing is invitation letter, thanksgiving letter. Third one is attendance sheet with signature of the participant. Or if you are organizing any quiz or poster or a book review in your library for your students or book talk, that time you have to take all signatures from the, your students. And that signature attendance sheet should be maintained in electronic format. आपको जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी उनके नाम टाइप करके रखने हैं। अगर आप उनको एज ए कल्चरल कमेटी के अंडर या फिर कल्चरल कमेटी, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि कल्चरल कमेटी और स्पोर्ट्स कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी शुड बी ऑर्गेनाइज कोलैबोरेटिवली वन इन इवेंट दैट इज क्विज कॉम्पिटिशन और पोस्टर कॉम्पिटिशन और बुक रिव्यू एट द टाइम ऑफ एनुअल फंक्शन। तो उस टाइम हमें वो जो अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस शीट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देनी है, इसीलिए वो पहले ही हमको वहाँ पे रेडी रखनी चाहिए। सेकंड थिंग इज रिपोर्ट ऑफ द इवेंट। रिपोर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। विदाउट रिपोर्ट और विदाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन फोटोज योर एक्टिविटी शुड बी कांट काउंटेड। आपकी एक्टिविटी काउंट ही नहीं होगी अगर आपने जियोग्राफिकल फोटोज और रिपोर्ट नहीं दिए तो। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फीडबैक एनालिसिस। आपको फीडबैक एनालिसिस भी प्रोवाइड करना है। अभी स्कैनिंग के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे टीचर्स और हमारे लाइब्रेरियन भी, उनका क्वेश्चन होता है कि हु कैन स्कैन, हाउ कैन स्कैन, वी डोंट हैव स्कैनर और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं। बट आई रिकमेंड टू यू स्कैन विद क्लियर स्कैनर ऐप। दिस स्कैन इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली एंड इवन क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी मच गुड। और यू कैन शेयर एनीवेयर और यू कैन मेंटेन ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इन योर मोबाइल फोन। And second thing is, most of the colleges are using Google Drive for the storing these documents. Documents हम save करने के लिए Google Drive use करते हैं। मैं कहूँगा कि Google Drive कभी भी use मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने clearly उसके ऊपर एक circular निकाला है कि जो भी आप third party जहाँ पे भी save करते हैं instead of your website, If at the time of DBV or at the time of checking, अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो आपका जो प्रूफ है वो प्रूफ वो वहां पे काउंट नहीं कर रहे। सो डोंट पुट इट इन योर डेटा इन गूगल ड्राइव। सेकंड थिंग इज मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर डूइंग लाइब्रेरी ऑडिट। सो एज एन ए क्वेश्चन 7.1.6 दैट इज द क्वालिटी ऑडिट्स ऑन एनवायरमेंट एंड एनर्जी रेगुलरली अंडरटेकिंग बाय द इंस्टीट्यूशन, उसमें ऑप्शन है कि बियॉन्ड द कैंपस इन्वायरमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज, तो उसके अंडर जो भी कुछ है हम लाइब्रेरी ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी ऑडिट शुड बी इन अ प्रॉपर वे ऑन अ प्रॉपर मैनर विद द प्रॉपर ऑडिटर। फॉर दैट यू हैव टू आप उसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, दैट शुड बी ऑन अ लाइब्रेरियन, यानी नियर बाय योर लाइब्रेरी you have to call to them, send an invitation letter or thanksgiving letter, both maintain in that file. Second thing is audit with auditor signature and remarks. आपका जो भी library का audit है वो audit auditor के signature उसके ऊपर होने चाहिए और उनके कुछ remarks भी होने चाहिए for development or for whatever it may be. Second thing is जो भी committee आती है वो committee आने के बाद आपके पास जो tagging photos होने चाहिए as a proof कि लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी ऑडिट कमेटी हमारे यहाँ पे आके गई है और हमने लाइब्रेरी ऑडिट जो भी कुछ है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। सेकंड थिंग इज अभी लाइब्रेरी ऑडिट फॉर्मेट जो कि मैंने ही थोड़ा सा स्टडी करके वहाँ पे डेवलप किया है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और बहुत सारे लोग भी यूज कर रहे हैं, इसके पहले भी मैंने वो शेयर किया है। उसमें मैंने चीजें जो भी है कि हमारे लाइब्रेरी के रिलेटेड है उसमें सिक्स पार्ट में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग इज एन लाइब्रेरी प्रोफाइल, सेकंड थिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, थर्ड थिंग इज लाइब्रेरी सर्विसेज, फोर्थ थिंग इज लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द लाइब्रेरी, एंड सिक्स पॉइंट इज SWOT एनालिसिस और SWOT एनालिसिस। सी दिस SWOT एनालिसिस और SWOT एनालिसिस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइब्रेरी। मैं तो ये कहूंगा कि हर लाइब्रेरी में अपना SWOT एनालिसिस, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, अभी थ्रेट्स क्या है, ये सब चीजें जो भी कुछ है हमने कमेटी आने के पहले
यहाँ पे हमारे हाथ में चाहिए ताकि हम उस हिसाब से उनके सामने परफॉर्मेंस कर सके कि हमारी जो स्ट्रेंथ है पहले स्ट्रेंथ के ऊपर हम स्ट्रेस दे सके और जो भी वीकनेसेस है वीकनेसेस को थोड़ा सा बाजू में हम रख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो फाइल्स भी है फाइल्स भी एज ए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, देखिए जो भी कमेटी आती है कि हर जगह पे हम क्या करते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा, आपके लाइब्रेरी में जब कमेटी आई तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी सामने वाला आने वाले बंदे हैं वो अलग अलग होते हैं, कमिटीज अलग अलग होते हैं, वो क्या पूछेगा और क्या मतलब बोलेगा वो हम बता नहीं सकते, किसी के मन में क्या है वो हम बता नहीं सकते, बट यू शुड बी रेडी विथ ऑल प्रूफ्स ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल फाइल्स एंड गुड सर्विसेज। एंड सेकंड अनदर पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरी शुड बी लुक लाइक एज एन लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी का लुक भी लाइब्रेरी के जैसा ही होना चाहिए, जैसे कि हम टेम्पल में जाते ही हमारी एक भावना होती है कि वी शुड बी प्रे फॉर कि हम वहाँ पे जाने के बाद जो भी भावना है हमारी अलग होती है मंदिर में जाने के बाद, वैसे रीडर की लाइब्रेरी में आने के लिए बाद एक भावना उसकी रीडिंग की होनी चाहिए, समथिंग रीडिंग, दिस इज एन रीडिंग टेम्पल लाइक दैट। तो आप जो भी है कुछ लाइब्रेरी का प्रोफाइल बना सकते हैं एज एन बोर्ड में, कुछ कोटेशंस है ईश्वर रंगनाथन के हो या फिर जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गई है उनके कोटेशंस हो, कोटेशंस तो उससे क्या होता है कि या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हो, इंस्ट्रक्शन भी हम लगा सकते हैं। और सेकंड और वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू, यू हैव टू कंडक्ट एटलीस्ट वन प्रोग्राम इन ईयर रिगार्डिंग योर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द लाइब्रेरी, आपके लाइब्रेरी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में हमने एक तो भी प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लेना चाहिए अंडर बैनर ऑफ अवेयरनेस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास, टीचर के कोड ऑफ कंडक्ट है, स्टूडेंट्स के है, पेरेंट्स के जो भी है पेरेंट्स के है, इवन जो भी हमारे एम्प्लॉयर है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए है, अलुमनी के लिए है, बट दे डोंट अवेयर अबाउट दैट। सो नेक आस्किंग दी अबाउट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, सो लाइब्रेरी शुड बी ऑर्गेनाइज वन प्रोग्राम रिगार्डिंग दी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द फॉर द स्टूडेंट एंड शुड वी शुड मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग दैट नोटिसेस एंड ऑल द रिपोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू given me an opportunity here to discuss with you. Actually already 6 p.m. is there, so our committee's time is over, so later on we will be take the question and answer from the participants. So I thank you very much Dharma Purikar sir and Chanchastri madam and Shastri sir for giving me an opportunity to say few words regarding the documentation with all of you. Thank you शास्त्री सर। हाँ यस बोला सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू, जरा क्वेश्चन आंसर सेशन घ्यायचं आहे ना सर आपल्याला थोडसं? यस 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 है ना, आपण एक क्वेश्चन आंसर सेशन, काही क्वेश्चन चॅट वरती काही काही क्वेश्चन आलेले आहेत लोकांचे, ओके चॅट वरचे पण घ्या परंतु अगोदर हे घ्या नंतर चॅटचे घ्या। हाँ ठीक, जे लोक आहेत, हाँ जे लोक आहेत त्यांच्या आधी घेऊया, चालेल। हाँ बोला सर। हाँ बोला सर, बोला। हेलो हेलो, हाँ धर्म, हाँ नारायण बारसे यार। हाँ बोला सर, बोला सर। या जस्ट आई वांटेड टू शेयर समथिंग। हाँ यस सर। या देयर वाज डिस्कशन अबाउट वेदर योर लाइब्रेरी इज पार्शियली ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड। यस सर। And there was opinion, I think Dharma Purikar said if your library is not having RFID or digital library is not there, see, it has nothing to do with fully automated or not, number one. Because whether you are using barcode or you are using electromagnetic strips for security purpose or you are using RFID, that has nothing to do with fully automation. Even barcode will do, number one. Number two, digital library has nothing to do with our library automation. Right, that is, yes, what, yes, is my opinion. Yeah, and yes. I just want to share something. After facing three NAC,
and doing audit of some of the libraries, what I have observed, whatever type of your library is good, better, best. Okay, most of the things depend on what type of documentation you do. So all the three resource person, Shantasri madam, you and Datta, they have really justified their role. Datta has done with very good with documentation part. Shantasri madam also with profile part. But I would like to tell you, while apart from what Dr. Datta has discussed, see, as an experiment, I have opened my library for external membership. Yeah. Long back, 10, 15 years back. And we are admitting external members on payment basis. So every year, somewhere around 1 lakh or something odd amount, we are generating. So that is actually resource generation. And every 5 years, we are generating somewhere around 3 to 4 lakh rupees. So every time, all 3 lakhs, they have appreciated this. So just wanted to share with you. Then, as Datta said, profile of library is very important. I am preparing profile of library, very thorough profile. As Datta said, that the team which is coming to library, they may spend little time, more time, or they may show interest or they may not show interest. So along with the profile, if your profile is ready, if you can give one copy each to all the members, and if they are finding time, they will go thoroughly with it. I have done this, and this also was appreciated. Sachin, you are aware that one of the, in my second NAC, one of the team members was Dr. One of the team members was from DRTC Bangalore, Sitaram. Yeah. Yes, yes. So he also appreciated that. So you can really do that. As far as daily footfall and library usage part is concerned, you should maintain manual record also. That is very important. Even my daily library footfall is somewhere around 1200 to 1500. Yeah. Apart from what circulation statistics I am getting, and even my reference and research section is electronic access control. I am getting everything automated statistics. See, still in reference, in reading hall, I am maintaining manual statistics, and I am putting together all statistics, and then I am compiling my report. So I think we can have some manual approach also when it comes to proving usage of the library. And if you are having different reference section from reading hall, you can ask even teachers also to enter with their name, and all those things are there. As far as database is concerned, databases, because we are subscribing good number of databases, usage statistics of databases and your justification on spending that much amount of money is very important. That is taken very seriously, I believe. So if you are subscribing to any subscribed database, you please, all of you, means for information, you please generate statistics. You ask from a database vendor. If you are not able to generate at your end the usage statistics, you can ask for at every quarter. At every quarter, I am telling you, not on annual basis. So that is very important. That is what just I wanted to share with you. Thank you, Dharma Purikar sir, Sachin, Datta, and Shantasri madam. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind inputs. Sir. Ranjit sir, bola. Hello. I would like to share something about this one. After collecting the data, how to hand over the data to NAC? That is a very important in soft copy. So you prepare the criteria-wise folders like 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, these things. Okay. For example, I will share with you how to present the data in soft copy. That one file, Word file, will be there where implementation of automation and all these things are written in that file. That is Word file. Then another file will be PDF or image file will be there where the automation photographs of your web opac or the circulation sections screen, home screen of circulation issue count kind of module, that you can take the proof as a link. And then if at all web opac is there,
prepare the link of the Webo pack and paste it in Word file. So that is one of the file will be there in 4.1.1. And afterwards, proofs for 4.2.1 is bill of your software. If you purchase the bill of the software, then that will be there in that file. That is 4.1.1. Then the 4.2.2 was for the collection of rare books. Of course, it is now removed. Now 4.2.3 is about resources. In that folder, other files will be there, like one template will be there, like Excel file will be there. Wherever templates are there in that folder, the Excel file will be there. Then proofs will be there, like e-resources, bills are there, or landing page of remote access, these files, then landing page of remote access of other privately subscribed e-resources will be there. So these files will be there. Then 4.2.3 will be again the description of does the institution have the following, that is e-journal, e-Shodh-Sindhu, and then response, any four of the above. Then justification, you should give the justification. This would be the Word file. That will file will be there in that folder. So these kind of types of the presentation or files that you have to submit to the NAC office, so that systematicness will become. Then same 4.2.24 about the expenditure, the data template of audit will be the scan copy of that will be there. Then Excel file will be there because template is there, one of the template is there. So these kind of files will be there up to 4.2.7. Of course, e-content is also included in the library. Some libraries carry out that e-contents, like collecting the contents from the teachers and all these things, but some libraries are not having, some libraries are up to 4.2.6, that is up to usage. Then in usage folder, you should keep the proof of the usage, like the accession register, Xerox copy, one copy, then e-resources usage statistics combined, like for e-Shodh Ganga, e-static is there, that software there, with which you can download the statistics of usage of the e-resources. Then logbook will be there. Logbook means the people, the user who enters in the library. So the scanned copy of logbook will be there. So this kind of systematic folders you can prepare according to the 4.2.1, 2.2, and then you can submit the soft copy systematically with the proofs to the NAC office so that they can arrange it very systematically. This is what my yes sir, even sir, agar hum 4.2.2 dekhenge to usme kya kiya gaya hai ki the institution has subscription of the following resources, lekin usi mein unhone books bhi puche hai aur journals bhi puche hai ki jo hame matlab physical form mein jo lete hai. As a coordinator, I have each and every question from each and every criteria, but what happened in India actually, this is an irresponsible statement, but hum kya karte hai ki koi to bhi foreign mein jata hai aur wahan ka system waise ka waisa utha ke leke aate hai aur hamare India mein update karte hai ya phir follow karte hai. Yes, kyunki kya hota hai ki jo bhi questions hai, question should be in a proper manner. Abhi jo bhi unhone abhi jo bhi manual diya hai, old manual mein kya tha ki 72 templates the, abhi 32 templates diye hai, लेकिन वो 32 टेम्पलेट्स मर्ज किए गए कि जो भी कुछ है, अगर समझो 4.1.4 है उसमें 4.4.1 भी पूछा गया है. सो दिस टाइप ऑफ मतलब जो भी उसमें अवॉइडिंग होता था कि डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता था वो भी थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड किया है, लेकिन क्वेश्चन शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, शुड बी इन अ नेक्स्ट शुड बी आस्क क्वेश्चन इन अ प्रॉपर सेंस. सेकंड थिंग इज फॉर लाइब्रेरी दे हैव गिवन वेटेज ओनली फॉर 20 मार्क्स. हमें सिर्फ 20 मार्क्स का ही वेटेज, अगर हमें 20 मार्क्स का वेटेज है तो उसी में मुझे नहीं लगता है कि जो भी कुछ मैनेजमेंट है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि अगर हम कोई एक 5x5 का खड्डा लेते हैं और उसमें दो पाइप लाके छोड़ते हैं, अगर वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको 10 मार्क्स है. सो व्हाई दे शुड बी स्पेंड मोर देन 1 lakh 2 lakh फॉर योर वन डेटाबेसेस और योर प्लेगरिज्म software or your physical books or your whatever it may be for your user tracking system. So these are the very much different things are there.
First, I request to all librarians, we should write to NAC one thing. You have to ask our services. Even ये 20 marks में हमारे जो भी services है कहीं पे भी पूछी नहीं गई एक भी service. Even single weightage is not there for our services. So we should write to NAC also कि give proper weightage of our services. That is our main job. We are doing that job in regularly and the services is our strength. जो भी सर्विसेज हमारा मेन मोटो है लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहीं पे भी पूछा नहीं है तो मुझे लगता है उसके बारे में भी हमने आगे चल के नेट को लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए उसके पीछे दूसरा भी एक रीजन है अगर हमें हमारा प्रोफेशन अच्छे स्टेबल करना है अच्छे सस्टेन रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज नेट की तरफ से भी चाहिए अगर नेट हमें 100 मार्क्स का वेटेज देगी तो मैनेजमेंट शुड बी लुक इन टू दैट मैटर लाइब्रेरी शुड बी develop in a proper way, in a proper infrastructure, in a proper facility. So we should librarian, as a librarian, we should look on that matter also. This is then my personal view or personal suggestion. Yes, yes, thank you. Yes, hello. Sir. Yes, sir. Hello. Sir, I would like to also discuss some of the points. Yes. Yamini Galapure bolte nashi. Haan, bola, bola. Hello. Haan, bola, bola. Good afternoon, sir. सर आता मला 4.2.1 पासून एक एक पॉइंट विचारायचा आहे शास्त्री सर 4.2.1 मध्ये जे दिलेलं आहे लायब्ररी इज ऑटोमेटेड युजिंग इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि याच्यामध्ये जे तुम्ही एक्सप्लेन केलं की जे चार पॉइंट त्यांनी दिलेले आहे नेम ऑफ द सॉफ्टवेअर द नेक्स्ट पॉइंट आता जो होता फुल्ली आणि पार्शली ऑटोमेशनचा हा डिस्कस झाला आता बारसे सरांनी सुद्धा त्याबद्दल डिस्कशन केलं आता याच्याबद्दल कॉलेजमध्ये डिस्कशन झालं होतं असं आमच्याकडे की नॅक कमिटी येणार होती मागच्याच वर्षी बरोबर नॅक विजिट झाली आणि न्यू सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलेलं होतं पार्शली ऑटोमेशन जेव्हा म्हणतो तेव्हा पार्शली म्हणजे काय हे एक्सप्लेन करायला सांगितलं मला सगळ्यांना ऑल टीचिंग स्टाफ मेंबर्सला आणि सर्व मेंबर्स स्टुडंट वगैरे की कोणीही विचारलं तरी लायब्ररी पार्शली ऑटोमेशन आहे अँड देन आय हॅव टू एक्सप्लेन व्हॉट यू मीन बाय देन फुल्ली ऑटोमेशन आत्ताच हा आपण हा डिस्कस केला हा विषय जेव्हा आपण एखादं सॉफ्टवेअर घेतो आणि ते सॉफ्टवेअरचे सर्व मॉड्यूल रन आउट होतात तेव्हा आपण त्याला फुल्ली ऑटोमेशन म्हणू शकणार का मग पुढे 5 वर्षानंतर ऍक्च्युली कसं आहे ना मला काय वाटतं माहिती का मी माझं असं म्हणणं आहे की ऑटोमेशन म्हणजे जेव्हा तुमच्या लायब्ररीचे ज्या सगळ्या प्रोसिजर्स आणि सिक्युरिटीज आहेत म्हणजे तुम्ही लायब्ररीमध्ये ज्या ज्या प्रकारे आपल्या अकॅडमिक लायब्ररीमध्ये व्हॉट काइंड ऑफ प्रोसिजर्स वी आर फॉलोइंग व्हॉट काइंड ऑफ ड्युटीज वी आर फॉलोइंग व्हॉट काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज वी आर डुईंग इन द लायब्ररी अँड व्हॉट काइंड ऑफ सर्व्हिसेस वी आर गिव्हिंग फ्रॉम द लायब्ररी इज दॅट ऑल सर्व्हिसेस ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑल प्रोसिजर्स आर डन ऑटोमेटिकली एनी सॉफ्टवेअर एनी इंटिग्रेटेड सॉफ्टवेअर बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट द इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा हॅलो हा हॅलो आता येतोय का हॅलो हॅलो हा येतोय का आवाज आता हा बारीक आहे सर बारीक हा हा ओके ते जेव्हा तुमच्या सगळ्या सर्व्हिसेस आणि सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज लायब्ररीच्या जेव्हा पूर्ण हॅलो हॅलो आवाज येत नाही शास्त्री सर शास्त्री सर आवाज येत नाही हां आता येतोय का सर आवाज येत नाही आहे अजिबात नाही येत अजिबात हॅलो हॅलो रणजीत सर आय वुड जस्ट लाइक टू पुट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस यामिनी गलापुरे मॅडम्स क्वेश्चन ओके ओके हां प्लीज यस यामिनी जो आपका क्वेश्चन है दैट फुल्ली कंप्यूटराइजेशन का और अभी बरसे सर ने भी बताया है उसका एक्चुअली देयर इज ऑलवेज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट की पार्शियल ऑटोमेशन और फुल्ली ऑटोमेशन का कैसा है नॉर्मली जैसा देखा जाता है जब इट ऑल एक्चुअली जब कमिटी के मेंबर्स जो आते हैं उन लोग हाउ डू दे डिफाइन इट अभी जैसे हमारे यहाँ पे जो तीनों बार ये नैक के जो साइकिल्स हुए that time what they wanted to see is unhone abhi jaise recently I will talk about the third cycle itself because it was after the revised guidelines jo chairman the what the chairman asked me ki pura ka pura jo aapka library ka data hai wo aap mujhe software mein dikha sakte ho kya so I showed him the complete collection
पूरा का पूरा दिखाया, फिर उन्होंने बोला आप सब्जेक्ट वाइज मुझे रिकॉर्ड जनरेट करके बता सकते हो क्या, आई शोड हिम द सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑल्सो, देन ही टोल्ड मी कि लास्ट वन मंथ का इशूइंग स्टैटिस्टिक्स आप बताओगे क्या, टीचर का सेपरेट स्टूडेंट का सेपरेट, दैट ऑल्सो आई शोड हिम, अटेंडेंस का आप दिखाओगे क्या, अटेंडेंस का मैंने उनको दिखाया क्योंकि वी वी आर यूजिंग दैट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, सो दैट ऑल्सो आई शोड हिम, देन पीरियोडिकल्स का आप हमें दिखा सकते हो क्या, जर्नल्स का कि कितने कितने जर्नल्स आते हैं, आप क्या क्या करते हैं, तो जर्नल्स का दिखाया, देन कैटलॉगिंग आप कैसे करते हैं, तो कैटलॉगिंग का इट वॉज नॉट अ सेपरेट ही कैटलॉगिंग का, बट इन ओपैक आजमी की ओपैक आप दिखा सकते हो क्या, आपके इसमें ओपैक सिस्टम है क्या, तो ओपैक मैंने बताया उनको, तो वेब ओपैक अभी इट वाज एक्चुअली इन शिरूर कॉलेज वी वर यूजिंग वृद्धि सॉफ्टवेयर, वृद्धि में दे वर नॉट हैविंग, दे आर नॉट हैविंग येट द वेब ओपैक ऑप्शन, तो वेब ओपैक का ऑप्शन ही नहीं था, तो दैट टाइम दे आजमी की मतलब वेब ओपैक नहीं है तो आप रिमोट एक्सेस कैसे देते हो ई रिसोर्सेज का, तो मैंने उनको बोला सर वैसे भी ओपैक के थ्रू भी मैं ई रिसोर्सेस का तो देती नहीं थी, ओपैक के थ्रू इट वाज जस्ट जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है बुक्स का उतना पता चल सकता था व्हाट इज द स्टेटस एंड ऑल उतना पता चलता है, लेकिन वेब ओपैक अभी ऑप्शन ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव दैट, देन ही आस्क्ड मी कि आप बाकी बजट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो क्या, सो दैट ऑल्सो वी कुड डू, सो दे वर सेटिस्फाइड विद दैट, एंड देन ई रिसोर्सेस का आप रिमोट एक्सेस कैसे देते हो ये पता करने के लिए आई शोड हिम द लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी वेबसाइट मैंने गूगल साइट्स के थ्रू आई ओनली डिसाइडेड, तो उन्होंने तब वो जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताया रेयर बुक्स का, उन्होंने बोला कि रेयर बुक्स का आप लिस्ट बताओ, देन तब एक यू ऑल माइट बी नोइंग देयर इज वन रेयर बुक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट इज द बिगेस्ट वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ रेयर बुक्स इन द वर्ल्ड, तो मैंने वो वाला एक्सेस भी दिया हुआ था, देन इज वन मुक्तबोध डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट इज गिवन बाय पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, तो ये सारे एक्सेस मैंने वेबसाइट मैंने लाइब्रेरी वेबसाइट पे रखे थे, तो इन दैट वे आई एक्सप्लेन देम कि किस किस तरह से हम लोग रिमोट एक्सेस दे सकते हैं ई रिसोर्सेज, तो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट, सिर्फ उन्होंने एक बताया कि वेब ओपैक यू शुड प्रोवाइड and you should try to change your library software. So I think क्योंकि in that question after the complete जब NAC का accreditation grade आ जाता है and you receive the documents from them that in which question how much weightage was weightage you scored. तो उस question में हम लोग को we scored 90% of marks just because of that web opac option was not given by a software so they deducted some percentage. So this is what was my experience. Regarding that question. Oh, it depends upon the committee, how they look towards the fully automated and partially automated. The my question was related to... Hello? Yes, yes, yes. Someone want to give suggestion. Wait. Hello? Hello? I mean, continue again the same question because the committee was satisfied with the first question because I even though I was converted the earlier software data into the new software, I could show them the web opac and the other resources as madam was studying same like that library web page and other things. They were satisfied this one. But the question for me is that after the 5 years now, again, I have to write when if I run out all the modules in my software, should I write now then later on this is fully automation? That yes, you can write down fully automation. Yeah, you can write down fully automation. Madam. Okay. Yes, yes, sir. मैडम देखिए अगर फुल्ली ऑटोमेशन का कंसेप्ट जो है वो पूरा अलग है अगर हम देखेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट जो है फॉरेन से आया हुआ है हमारे इंडिया में कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं कि जो फुल्ली ऑटोमेशन हम क्या किस चीज को कहेंगे कि लाइब्रेरी के गेट के अंदर जब स्टूडेंट आता है वहां से जो प्रोसीजर शुरू होती है तो वो जब गेट से बाहर जाता है वहां तक का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होना चाहिए मतलब ऑटोमेटेड होना चाहिए मतलब उसका आने का जो भी है वो आते टाइम भी हमारे पास RFID हो 3M हो या जो भी आपका अदर सर्विलेंस सिस्टम हो वो होनी चाहिए उसके बाद वो जब जा रहा है तो उसके बाद SMS सिस्टम होनी चाहिए जो बुक इश्यू रिटर्न करना है या फिर उन्होंने उससे कहीं से भी बुक जो भी है अगर रीडिंग के रूम में भी बैठा है तो उसने रिटर्न करना चाहिए या फिर घर पे भी बैठा है तो उसने रिन्यू करना चाहिए दैट टाइप ऑफ लाइब्रेरी शुड बी कॉल्ड एज एन फुल्ली ऑटोमेशन देखिए डॉक्टर कार्बन्डी सर
लायब्ररी ऑटोमेशनची फुल्ली ऑटोमेशनची कन्सेप्ट फक्त लायब्ररी सायन्सचे जे लोक आहेत आपण जे ते समजू शकतात. नॅकवाल्याने कोणत्या अर्थाने घेतलंय, नॅकवाल्याने कोणत्या अर्थाने घेतले, तुमचे सगळे मॉड्यूल जर ऑटोमेटेड असतील कम्प्लीट असतील लायब्ररी मॅनेजमेंटचे तर ते लायब्ररी ऑटोमेशन नॅकवाली तसे समजतात. व्हॉट इज व्हॉट टाइम. हा रंजीत सर ने जैसे अभी बताया यामिनी इफ यू आर ऑनलाइन तो आप 5 साल के बाद अगर सारे आपके मॉड्यूल्स यू आर यूजिंग जो भी अपना है सीरियल्स कंट्रोल योर कैटलॉगिंग एंड एवरीथिंग इफ यू आर यूजिंग इट तो आप लिख सकते हो दैट योर लाइब्रेरी इज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड. क्योंकि ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन है. व्हेन द टीम विजिट्स योर लाइब्रेरी दे आर गोइंग टू आस्क यू कि आप दिखाओ क्या क्या सो दैट टाइम यू कैन एक्सप्लेन देम. Okay, okay. Because they verified it, all these things. Okay, thank you, ma'am. Because the question was not asked by committee member, but in the college principal and the authorities asked. Yeah. Okay. Okay. Should I come back? Next question also I do have. Should I? Yes. Sir, the last question, visitors record, regarding of the visitors record. There was a question. Number of teachers, number of students in the library, and another online e-access also. Number of users using e-access. Okay, so teachers and students, yansa access either manual kiwa software as a आणि जो तुमचा लायब्ररी पोर्टल आहे ना ते ऍक्सेस करतात तिथे आपला युसेज तो नंबर येतो. तर इथे ई ऍक्सेस घेताना जिथे आपली संख्या जास्त स्टॅटिस्टिक्स दिसतात तर तोच घेणं अपेक्षित आहे ना ई ऍक्सेस म्हटल्यावर ऑर व्हॉट. फोर पॉइंट टू पॉइंट फोर इन द मॅन्युअल परसेंटेज पर डे युसेज ऑफ लायब्ररी. हॅलो सर आम ऑडिबल कारण येस ओके ओके सर तीन पॉइंट दिलेले आहेत कारण त्यांनी यामिनी जस्ट रिपीट युअर क्वेश्चन वन्स. ओके ओके 4.4 इन द करंट मॅन्युअल अर्लियर इट वॉज 4.2.6. ओके सो 4.2.4 चा मॅडम असे दिखा आहे नंबर ऑफ यूजर यूजिंग लायब्ररी थ्रू ई ऍक्सेस. ई ऍक्सेस व्हॉट इज टू to write there the number either from the manual entry or from the library web if we get the count over there or whatever the status we have the large in the number that we should write it. Dekho whatever statistics you have with you agar tumhari library ka page means if your website or your web opac ka agar separate login hai kai sare softwares they allow separate login for web opac access if there is any such provision then only you give that data nahi to jo data hai aapke paas agar e access ka data separately nahi maintain kiya hua hai then you need to prepare something we all know dekho nac ke isme data dalne ke liye kuch na kuch hum log ko preparation karna padta hai. Because nowhere you can see library se related cheezon mein totally na likhna bhi thoda sa problematic hota hai. But if you are writing something then you have to prepare it. Yes exactly whatever I have taken I have given the evidence of that. But so agar tumhare paas evidence hai na to utna likho lekin overtly karke kuch mat ye karna ki matlab jo nahi hai tumhare paas like right now we are in my college we have such provision in the web opac that the student they can do individual login har ek student individual login kar sakta hai web opac mein aur hum log wo data bhi we can generate the report to ye e access mein hum log count kar sakte hai the number of users using library through e access ya fir samjho tumhara jo internet internet intranet ke through bhi agar tumhara kuch लाइब्रेरी वेबसाइट का कोई लॉगिन करता है कुछ ई रिसोर्सेस है जो तुमने इंट्रानेट पे डाले हुए हैं कोई फुल टेक्स्ट है जो इंट्रानेट पे है तो उसमें तुम ऐसा लॉगिन ऑप्शन रखवा सकती हो कि जब स्टूडेंट जब यूजर लॉगिन करेगा दैट विल गेट काउंटेड तो ऑल सच काइंड ऑफ मोड्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस ई एक्सेस डेटा. ओके मैम दैट आई डू हैव अनदर थिंग इज दैट व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स यूजिंग द लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स पर डे
other aspects of that, like Barse sir was telling, that external membership. We do have the external membership facility, and those people also come to library. Sometimes outside students in the campus also come and visit the library. We take their visitors record. Where to come? Just repeat. See, in this again 4.2.4, per day usage counting by teachers and students, वो अपने college पे हो जाते हैं. उसके अलावा external members, जो external members हैं, उनका count वहाँ पे लेना दे सकते हैं क्या? नहीं, here they expect only your own institution's record. Okay. Yeah, but it is not mentioned. जब आपकी committee visit, नहीं, लेकिन जो उन लोग डेटा अपलोड करने के लिए बोलेंगे ना, तब उन लोग आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में ही उन लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं. यू मेंटेन दैट एक्सटर्नल यूजर रिकॉर्ड आल्सो विद यू. वी आल्सो हैव अ कैजुअल मेंबरशिप फैसिलिटी. यस बाय पेइंग 50 rupees, 10 rupees, दे यूज्ड टू कम टू सी द थीसिस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दैट कम्स अंडर कैजुअल मेंबरशिप. So their footsteps are also important in calculating of number of visitors to the library. So should we count that casual members? Oh can yes. Count, can we take in from the student? Sir, can I give the explanation? Okay. Okay, sir. Thank you. I want to. Hello. Explanation. Hello. Hello. हाँ बोला ना. Peter from Shetty College. हाँ. Yeah. Football. Thank you for all the panelists for the wonderful question. I have a query related to the library website only. So we are having a library website created on the Google Sites, and this was created even before the college website was there. So what now, like few teachers are on the assumption that it should be on the college domain only, and it is valid. So either that, or we can still retain the Google website. Hello. Madam, you can retain with your Google Sites website, but see to it ki aapke means on your institutional website there should be a library link, and whenever someone clicks on that library link, it should get redirected to your Google website. Yes. It should get redirected to your Google Sites. Okay. And because NAC accepts the websites which are created on Google Sites and all, there is no problem. Okay. And apart from this, I need to give a small description about the library on the library tab of the college website. Yeah, that also you can do, no problem. That also you can do. Okay. Thank you. Just give some information on your jo aapka institutional website hoga. Institutional website mein there will be a library tab. When someone is clicking on that library tab, just give some introduction of the library, and then there you give a link of your Google Sites ka website, and then whenever someone will click on that, he will get redirected to your Google Sites website. Because that is allowed. I had created Google Sites pe library ka website, and you can update it continuously, and it is in your hand. You can put all sorts of resources on that. Yeah, actually what we have created, one as library website and one as a digital library, where we have given access to all the e-resources and upload question papers, syllabus and all. So that is on intranet or internet? Internet, ma'am. It is again created on Google Sites only. Yeah, so that is in the chat box also I saw this question, that also counts in the remote access to e-resources. Yes. So I will be giving, I have to give both the links from the college website. So that is fine. Yeah. That is very much important, because NAC, whenever NAC team comes to your college, now before that they are thoroughly, they have studied your SSR as well as they visit the college website. Your college website should explain each and everything, each and every unit of your college. Correct. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, welcome. Somewhere we have to stop because participants are leaving. हम पांच ही रह जाएंगे अभी इसमें. So you can continue the discussion later on also in that group. So it was wonderful discussion. We are getting very much guidance, so we are there. अभी किस
अभी किसी का क्वेश्चन है अगर तो बताइए, जल्दी जल्दी फिनिश कर देंगे, पांच एक ही दो ही क्वेश्चन लेंगे, अभी दो ही क्वेश्चन लेंगे और बंद कर देंगे बात। सर मी प्रशांत कल्लोळी, एक प्रश्न विचारू शकतो का? अरे यार, बोला बोला। यस यस कल्लोळी सर, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव सर। सर योर योर वॉइस इज ब्रेकिंग प्रशांत कल्लोळी सर। सर तुमचा आवाज येत नाहीये। हॅलो कल्लोळी सर, सर्वांचं अभिनंदन या क्षणशेत्रेला। माझा प्रश्न विचारतोय मी, पॉइंट टू पॉइंट थ्री सोडून ज्ञानाच्या इतर कोणत्या ऍस्पेक्ट मध्ये ग्रंथालय भूमिका पार पाडू शकतं, म्हणजे इतर कोणते असे प्रश्न आहेत की जिथं ग्रंथालय कॉन्ट्रीब्युट करू शकतं इफेक्टिव्हनेस? पुष्कळ आहेत ना, रिसर्च बाबतीत आहेत। हॅलो, रिसर्चच्या बाबतीत आहे, ई कंटेंट क्रिएशनच्या बाबतीत आहे। हॅलो other criteria are there where librarian can play the role. Hello ha aikoy sir. Hello ha sir bol sir. Hello ha bolo. Hello ha bola na. Hello हॅलो, जे ज्ञानाचे जे आपल्या ग्रंथालयाचा क्रायटेरिया आहे तो सोडून आपण आणि कोणत्या मुद्द्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकतो काय, जेणेकरून चांगले मिळेल, लायब्ररीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण वाढेल, कारण हा या मॅडम या प्रशांत देखो ये जो क्वेश्चन है आपका यू कैन वी ऑल लाइब्रेरियंस वी कैन बी हेल्पफुल इन द थर्ड क्राइटेरिया ऑल्सो, रिसर्च का जो क्राइटेरिया है ना वी ऑल कैन बी हेल्पफुल ऑन दैट क्राइटेरिया, क्योंकि रिसर्च में देखो साइटेशंस जो है, साइटेशंस का एक क्वेश्चन है कि कितने साइटेशंस वगैरह है, वो गूगल स्कॉलर साइटेशंस वगैरह का दिया है, तो गूगल स्कॉलर साइटेशंस के थ्रू किस तरीके से साइटेशन बढ़ाना चाहिए, वी ऑल नो कि गूगल स्कॉलर में सिर्फ जीमेल के अकाउंट रहने से होता नहीं है। आर यू देयर प्रशांत? या या आई एम हियर। यू कैन कंट्रीब्यूट विद सेकंड क्राइटेरिया आल्सो, देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स ऑफ पीएचडी और पीएचडी गाइड, इफ यू योर पीएचडी गाइड देन आल्सो यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट क्वेश्चंस, इवन इफ यू आर यंग पीएचडी सो यू आल्सो बी काउंटेड एज एन teaching staff member as an full time teacher who is having the what you can say okay, PhD degree. Any another field? One minute, that is our publication, research publication, our publication. Hello paper writing, yeah. Books, see, that we if, publish. If you are received any minor or major research project grant, so that's also can be counted in a criteria number 3. Second thing is you can contribute in criteria number 7 as an your library audit. So third criteria, there is an one question regarding the how many seminar workshop conferences conducted. If libraries is going to conduct any seminar at national or international level, so 5 marks should be there you can give to your institution regarding the organizing seminar conferences. Second thing is if you are organizing one training program for non-teaching staff members of your library or entire library staff who are working as a non-teaching or office staff are also there, so you can also get 2-5 marks in that questions also. Third one is 3.2.1 as an research papers published in UGC listed journals, so if the librarian will be published research papers in UGC listed journal, so you can give more score to your institutes regarding the publications criteria. Even if you are published your book as a chapter or edited books or any books in or international conference proceedings, so you can give 10 marks to the in criteria number 3, that is the 3.2.2. So like that in criteria 3 or criteria 4 or even
you can if your library is running best practice in your college since last 5 years or continuously last 2 to 3 years, so that mark also you can give to your institution. There is a main number of questions, even awards. If you are received any national level award from the government agencies or government organizations or government recognized body, so 10 marks is there. So yeah, like that thing. For these discussions we have to actually as an schedule only 4.4 criteria should be there, but each and every criteria you can give your inputs to the institute in a point of view NAC or in point of grading. So see, the librarian is a multitasking professional. You can work as an even you can develop your own course as a library science, as a computer librarian information science, which is having a 30 hours. So that course also counted as a certificate course. There is a many ways, so many ways available. Okay, Kalman, sir, thank you. I think it's a great explanation to my question. With this, I propose the vote of thanks to Shastri sir. Really a great work, Dr. Shanta Sri madam, and Dr. Karbande sir. Really, it was a great discussion between among all of us. And I thought something we had contributed to the NAC group. And definitely, if questions are there, they may post their questions on the group. Yes. Excuse me, sir. Yes. Just before concluding, yes, I would say something. This is Yamini from NASA. Yeah. I would like to say the personal thanks to you and each and every panel members. Okay. Personal thanks to you because you have created last time the NAC group. And that was a great help for me to face the audit of the NAC. So many questions, so many guidance right from the scan wall. I could understand. I have created Library Flex. So much thank to you from all the participants. Another thing, Shastri sir, I would like to say something. Hello. Shastri sir, the last year in the month of March at Powai, I met you were the judge for the conference, national conference, Reengineering the Libraries. And that day also we have discussed a lot regarding of the NAC. And immediately after the 15 days, I faced the NAC audit. So there was a valuable guidance from you. So personally, thank you for your valuable guidance. Even though I showed you my library PPT, that NAC members did not see the library PPT, but they asked, our college members asked the library profile. So I could make it in a proper way. You guided me a lot. So personal thanks to you also. Kalvande sir, I know that sir was the technical assistant of Soul Software. And Dharmapurika sir and Vagmode sir conducted the conference. From that time also, sir was giving a very valuable guidance. Thank you, Kalvande sir. Sen Gupta ma'am is our alumni from the Nasik. So she is very close-hearted to us, even though I introduce myself to her right now. So each and every panel member present over here, the thanks from all the participants, panel members. And I was the one who always asked so many questions to Dharmapurika sir and give the troubles. Thank you, sir, for your valuable guidance. Wow. This is the real vote of thanks. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, goodbye. Thank you. Yeah.